यहाँ से अमेंडमेंट रिलेटिवली थोड़े स्पीड में जाएंगे क्योंकि जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ वहीं वहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब बहुत इजी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47। याद होगा तो सेक्शन 47 क्या बोलता है? सेक्शन 47 बोलता है ऑल दोज ट्रांजैक्शन ऑन विच नो कैपिटल गेन विल अराइज। ये उन सेक्शंस की बात करता है जिनपे कोई कैपिटल गेन आने वाला नहीं है या जिनपे कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्लियर है? पहला ध्यान से सुनिए, ये क्या कहते हैं। अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट ने, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को, अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया, बोलो कहाँ, आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर किया बॉन्ड, जीडीआर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या डेरिवेटिव या एनी अदर सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया, इट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। सो मान लीजिए जॉन सीना ने अंडरटेकर को ट्रांसफर किया कोई जीडीआर, कोई बॉन्ड, कोई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आउटसाइड इंडिया, राइट, और विच इज लोकेटेड इन आईएफएससी, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। सो चेक करिए, अमेंडमेंट हैज बीन हाईलाइटेड बिलो इज गिवन एज अंडर, एनी ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड, जीडीआर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, डेरिवेटिव और सच अदर सिक्योरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो व्हाट इज द अमेंडमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ एक पावर रखा है, एनी अदर सिक्योरिटी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रांसफर्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी बाय नॉन रेसिडेंट टू एनीवन वेयर द कंसिडरेशन इज पेड और पेबल इन फॉरन करेंसी इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। सो बहुत सिंपल सी बात है बॉस, एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को इनमें से कोई भी चीज ट्रांसफर करी, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। दिस अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू डू अवे विद द टैक्सेस अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर सिक्योरिटी टू विच विल बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ड्यू कोर्स। इन एग्जम्पशन अंडर 47 इट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ ट्रांसफरर बीइंग पर्सन अदर देन नॉन रेसिडेंट, देन एग्जम्पशन मे बी अवेलेबल अंडर सेक्शन 10(4)(d) इफ द ट्रांसफरर इज अ स्पेसिफाइड फंड। सो अगर कोई स्पेसिफाइड फंड होगा तो उस केस में फिर एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(4)(d). 54GB एग्जम्पशन में एक और अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट है ये 54GB में, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। 54GB क्या था, अगर कोई भी असेसी जो इंडिविजुअल है या HUF है वो अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म सेल करता है और इन्वेस्ट करता है किसके अंदर में, इक्विटी शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या एलिजिबल कंपनी के अंदर में। याद आ रहा है आपको, इक्विटी शेयर ऑफ एलिजिबल कंपनी के अंदर में। पहला अमेंडमेंट, पहले ये लास्ट डेट थी इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट्स करने की 2019, इसे बढ़ा करके कर दी है 2021, मतलब ये सेक्शन को मिला है एक्सटेंशन, ये है पहला अमेंडमेंट। सो अगर कोई भी एसएससी इंडिविजुअल या एचयूएफ ट्रांसफर करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर होता है बिफोर 2021,
वन ट्रांसफर कब होता है बेटा? बिफोर 2021. तो जो भी पैसा आया उसे एलिजिबल कंपनी के सिक्योरिटी बाय करनी है. एलिजिबल कंपनी मीन्स विच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस, राइट. अब जहां पहले एक कंडीशन हुआ करती थी कि आपको मिनिमम 50% होल्ड करना है, वो कट होकर के आ गया है 25% पे. मतलब अब आपको मिनिमम होल्डिंग 50% रखने की जरूरत नहीं है. मैं आपको याद दिलाता हूं वापस से, 54GB क्या कहता था. 54GB कहता था अगर कोई भी इंडिविजुअल है, इसे सेल क्या करना है, अपना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. जितना भी पैसा आया इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, इक्विटी शेयर ऑफ एलिजिबल कंपनी. बोलो कहां इन्वेस्ट करना है, इक्विटी शेयर ऑफ एलिजिबल कंपनी. एलिजिबल कंपनी मतलब क्या हुआ करती थी, याद करो. एलिजिबल कंपनी मतलब एक इंडियन कंपनी जिसका क्लासिफिकेशन कैसा हो, MSME. जिसका क्लासिफिकेशन कैसा हो, MSME. जो काय में एंगेज हो, मैन्युफैक्चरिंग. जिसके आपने कितने परसेंट होल्ड किया हो, 50% आपने होल्ड किया हो. ये जो 50% होल्डिंग है इसे कट करके 25% पे ला दिया गया है. मतलब अब आपको 54GB का एग्जम्पशन लेने के लिए 50% होल्ड करने की जरूरत नहीं है. अगर आप 25% भी होल्ड करते हैं तो आपको एग्जम्पशन जरूर मिलेगा अंडर सेक्शन 54GB. एग्जम्पशन बिल्कुल उतना ही है, कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन. बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है. सिर्फ एलिजिबल कंपनी का जो क्राइटेरिया था कि आपको एलिजिबल कंपनी में होल्डिंग कितने परसेंट होना चाहिए, ये 50% से रिड्यूस करके कितने पे ला दी गई है, 25% पे ला दी गई है. सो अब आपको 50% होल्ड करने की जरूरत नहीं, 25% भी होल्ड कर लिया तो आपको 54GB का एग्जम्पशन मिलेगा. सो ये अमेंडमेंट आया है. तो दो अमेंडमेंट 54GB के. पहला अमेंडमेंट डेट इंक्रीज कर दी है 2019 से 2021 कर दी है. दूसरा अमेंडमेंट, अब आपको 50% होल्ड करने की जरूरत नहीं, अब आप 25% भी होल्ड करेंगे तो आपको ये डिडक्शन जरूर मिलेगा. अच्छा जी, इन केस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड बाय टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप सो सर्टिफाइड बाय नोटिफाइड IMBC, लॉक इन पीरियड शैल बी 3 ईयर एंड नॉट 5 ईयर. एक और बड़ा अमेंडमेंट. आपको अगर याद होगा तो 54GB में एक और चीज होती थी, अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करता है उसे इक्विटी शेयर लेना है एलिजिबल कंपनी के. अगर आपको याद हो तो कंपनी को भी ये पैसे को किधर इन्वेस्ट करना पड़ता था, या तो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना पड़ता था या तो सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना पड़ता था. और उसे भी इसे कितने साल तक के होल्ड करके रखना पड़ता था, 5 ईयर्स तक के होल्ड करके रखना पड़ता था, राइट. होल्डिंग पीरियड यहां पर भी कितना है, 5 ईयर्स ही था. फिर से एक बार, अगर कोई भी व्यक्ति रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करता है, पैसे आया इक्विटी शेयर में डालो, इक्विटी शेयर ऑफ एलिजिबल कंपनी. व्हाट इज एलिजिबल कंपनी, इंडियन कंपनी, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. अब आपने एटलीस्ट उसका 25% होल्ड किया हो और आपने होल्डिंग कितने साल रखी हो, 5 साल. क्या कंपनी भी इस पैसे का कुछ भी कर सकती है, नहीं. कंपनी को या तो इसे प्लांट एंड मशीनरी में डालना है या कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर में डालना है, जिसे भी आपको कितने साल होल्ड करके रखना था, 5 साल. तीसरा अमेंडमेंट, उन्होंने इस 5 साल के होल्डिंग क्राइटेरिया को भी रिड्यूस करके 3 ईयर्स कर दिया. उन्होंने इस 5 साल के भी होल्डिंग पीरियड को रिड्यूस करके 3 ईयर कर दिया अगर यह सॉफ्टवेयर IMBC से सर्टिफाइड है. IMBC इज अ बोर्ड बाय गवर्नमेंट. सो अगर उस बोर्ड ने सर्टिफाई किया, IMBC बोर्ड ने सर्टिफाई किया है, तो अब आपको 5 साल नहीं 3 साल तक के ही उस सॉफ्टवेयर को होल्ड करना है. तो इस सेक्शन में 3 अमेंडमेंट. पहला हुआ 2021 तक के आप कभी भी ये प्रॉपर्टी सेल करते हो 54GB में आ पाओगे. होल्डिंग अब आपको 25% ही रखना है. और तीसरी चीज, आप जो कंपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी भी इसे कितने साल होल्ड करेगी, 3 ईयर्स. देखिए, इन केस ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड बाय टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप सर्टिफाइड बाय IMBC लॉक इन पीरियड शैल बी 3 ईयर एंड नॉट 5 ईयर. गेम समझ में आया पूरा का पूरा. ये था एक और अमेंडमेंट. आपको नहीं लगता कि हम यहां पे कहीं लिख रहे थे, अगर आपको याद हो तो यहां पे 5वें पॉइंट लिखिए, 5वां अमेंडमेंट था, क्योंकि ये कैपिटल गेन का 54GB. इसमें क्या हुआ, अप टू 2021 हो गया. ये पहला था. दूसरा था होल्डिंग परसेंटेज
रिड्यूस हो गया 25% पे, और लॉक इन पीरियड किसके लिए, असेसी के लिए या कंपनी के लिए? कंपनी के लिए 3 ईयर्स का हो गया। ये 3 अमेंडमेंट 54 जीबी में आए, प्लस एक अमेंडमेंट आया सेक्शन 47 में, ट्रांसफर ऑफ नोटिफाइड सिक्योरिटी ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 47। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई नोटिफाई करता है वो भी इसके अंदर में आ जाएगा। इज दैट डन? चल मेरे भाई आ गया। हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए, हालांकि मे 20 वालों के लिए ये अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर्ड है, स्टिल एक बार हम लोग वैसे भी सारे अमेंडमेंट देख रहे हैं तो हम फटाफट देख रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी अमेंडमेंट है जो आपके क्लास में हो चुका है आप बिंदास आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे तो सभी का ध्यान रखते हुए पूरा डिटेल लेना पड़ेगा। एंड मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ, इनफैक्ट जो मे 20 वाले भी है वो एक बार एडिशनली भी पढ़ लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं 112 ए याद दिला दूँ, और इसके पीछे की मैंने आपको खूंखार हिस्ट्री भी बताई थी, अ ब्लडी डे ऑन स्टॉक मार्केट। 2018 में तो किया ही था, 2019 में भी किया, ब्लडी डे ऑन स्टॉक मार्केट। 2019 का भी जो बजट आया अभी 2-3 दिन पहले, तब भी उनने यही हरकत करी। मैंने आपको बोला ना, इस गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता ये री इलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, इन्हें जो करना है वही करना है। सो आइए 112 ए देखते हैं। 112 ए क्या था पहले याद दिला देता हूं। अगर कोई भी सिक्योरिटी आप शेयर करते हैं, बींग इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, याद आ रहा है क्या, जिसपे एसटीटी पे हुआ हो, शेयर्स होगा तो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, यूनिट्स होगा तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अगर कोई भी इक्विटी शेयर सेल किया, इक्विटी ओरिएंटेड फंड सेल किया, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट सेल किया, राइट, जिसपे आपने एसटीटी पे किया है, कब कब? शेयर्स होगा तो बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल, एंड यूनिट्स होगा तो एट द टाइम ऑफ सेल। इस पे अगर आपने एसटीटी पे किया है, इन एक्सेस ऑफ ₹1,00,000, इट शैल बी एट द रेट ऑफ टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%। डू यू अग्री? या गो दोगा तो 112 ए के अंदर जो आ रहा है उन्हें 87 ए का रिबेट नहीं मिलता। कुछ याद है क्या? जो 112 ए के अंदर आ रहा है उन्हें 87 ए का रिबेट नहीं मिलता। पॉइंट एक, पॉइंट दो, अगर आपको याद हो तो 112 ए सेपरेट टैक्स रेट देता है 10% का, जिसमें इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट नहीं मिलता। याद आ रहा है? अगर कोई एसटीटी पे नहीं करता और सिक्योरिटी सेल करता है तो वो 112 में तो डेफिनेटली कवर है ही। सो इफ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, सेक्शन 112 इज स्टिल एप्लीकेबल। तो ये था आपका रिकॉलिंग एक पुराना, कि अगर कोई भी व्यक्ति ये तीन चीज सेल करता है, अगर कोई भी व्यक्ति ये तीन चीज सेल करता है तो फिर एसटीटी पे होता है तो आपको टैक्स रेट जो होगा वो 10% होगा और इस पे एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस होगा। अब प्रॉब्लम समझो कहां था जिसके लिए नोटिफिकेशन आया। ध्यान से सुनिए, ये अमेंडमेंट नहीं है, नोटिफिकेशन है, बट ऑल नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल टू यू, यस और नो? एंड हेंस इसके ऊपर जो नया नोटिफिकेशन आया है वो है 60/2018। ये यहां पे ऊपर सिर्फ ये दिया है कि उस केस में फिर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं, ये हमने रेगुलर लेक्चर में भी देखा है। अमेंडमेंट आया है नोटिफिकेशन 60/2018 से। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही इन्होंने बोला कि एसटीटी पे होगा तो ही 112 ए के अंदर आ पाएंगे और आपको फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट लेने का ऑप्शन मिलेगा। लॉजिकली सोच के देखो, फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपको कॉस्ट बोल करके मिल जाए तो आदमी का कैपिटल गेन वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सोचो किसी ने 1994 में शेयर्स परचेस किए होंगे, लेट से 100-150 के, आज उसके शेयर का प्राइस अज्यूम करते हैं 10,000 हो गया, तो उसको तो 10,000 कॉस्ट बनाने को मिल रहा है, उसका कैपिटल गेन वैसे भी कम हो गया, प्लस 100,000 का एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, प्लस टैक्स रेट भी 10% ही है, तो उसके लिए तो कभी भी ये विन-विन सिचुएशन थी। अब हर कोई सीबीडीटी के पास गया, सीबीडीटी के पास जाके बोला, हे सीबीडीटी आप मुझे बताइए मेरी गलती क्या है। सीबीडीटी ने बोला, हुआ क्या है?
हम कहते हैं सर हमने एसटीडी पे नहीं किया, सीबीडीटी बोलता है बताओ भाई क्यों नहीं पे किया, वो कहता है मैंने शेयर 2004 से पहले लिए। टेक्निकली एसटीटी का जो कंसेप्ट था ये 2004 से आया था, अब किसी ने शेयर 2004 से पहले लिए होंगे उसने तो बेचारे ने पे ही नहीं किया, उसकी क्या गलती है, उस टाइम एसटीटी नाम का कंसेप्ट ही नहीं था, पर आज तो वो 112 ए में 20% में चला गया, टैक्स पेयर का तो नुकसान है ना मेरे भाई। ही वाज सेइंग मेरी क्या गलती, उस टाइम एसटीटी नहीं था। तो दूसरा, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको सेबी ने खुद एसटीटी से बाहर रखा था, वो भी सीबीडीटी के पास गए, सर हमारी भी कोई गलती नहीं है, हमको सेबी ने खुद ही बोला था एसटीटी हम पे एप्लीकेबल ही नहीं है, हम कैसे उस सेक्शन को अप्लाई कर देते, पर बेनिफिट तो हमको भी चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बराबर है। कई बार शेयर्स जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं वो बिकॉज ऑफ दी हाई कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या एनसीएलटी के कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमल कमीशन ही ले लो जिसमें हाईकोर्ट का अप्रूवल लगता है। अब यहां पे अगर आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर के थ्रू बाइंग की है या हाईकोर्ट के ऑर्डर के थ्रू एक्विजिशन किया है, वो लोग भी जाकर के बोलते थे सर हमारे को तो एसटीटी करने कुछ बोला ही नहीं था, दिस वॉज नॉट वन ऑफ द कंडीशन गिवन बाय हाईकोर्ट, तो हमने एसटीटी पे नहीं किया क्योंकि हम पे एसटीटी था नहीं। पर हमारी क्या गलती है, हमें भी तो 112 ए का बेनिफिट मिलना चाहिए, जहां हम फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट समझे, जहां हमें भी 1,00,000 रुपए तक का बेनिफिट हो, जहां हम भी टैक्स रेट 10% दें, हमारी क्या गलती है इसमें। सीबीडीटी ने इस बात को बहुत पॉजिटिवली लिया और एक नया नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 60/2018। अगर आप अपना मॉड्यूल खोल के देखेंगे उसके अंदर में ये नहीं दिखता है, पर ऑल नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल जरूर है, मैंने देखा और इसे इंक्लूड कर दिया आपके इस नोटिफिकेशन के साथ। क्या कहता है ये जो प्रोविजन आप पढ़ रहे हैं, ये कहता है, ये नोटिफिकेशन ये कहता है कुछ केसेस में, ये नोटिफिकेशन ये कहता है कुछ केसेस में, ये नोटिफिकेशन ये कहता है कुछ केसेस में एसटीटी पे नहीं भी किया होगा तो भी 112 ए अप्लाई करेगा। याद होगा तो रेगुलर लेक्चर में हमने ये पढ़ा है, कुछ केसेस में अगर आपने 112 ए नहीं, अगर आपने एसटीटी पे नहीं भी किया है तो भी 112 ए अप्लाई करेगा। आइए देखते हैं कौन कौन से केसेस है। पहला, शेयर्स एक्वायर्ड प्रायर टू 2004, अगर अक्टूबर 2004 से पहले आपने शेयर्स लिए हैं एसटीटी पे नहीं भी किया है तो भी आप 112 ए अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे सर, मैं आपको बताऊं इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, आपको सिर्फ एक लाइन दे देंगे, दिस पर्सन हैज एक्वायर्ड द शेयर इन 1998, 2001, 2002, आपने दिमाग लगाना है उस पे एसटीटी नहीं भी हुआ तो भी 112 ए लगाया जा सकता है, बस वहां पे नोटिफिकेशन का रेफरेंस देना है आपको, नंबर याद नहीं रहे तो भी चलेगा, नोटिफिकेशन का रेफरेंस जरूर दे देना। अगर 2004 के बाद लिया है, इफ द शेयर्स आर एक्वायर्ड आफ्टर 2004, तीन कैटेगरी ए बी और सी। कैटेगरी ए, द शेयर्स वेर लिस्टेड बट नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। एक्विजिशन ऐसे लिस्टेड शेयर्स का था जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू। उस केसेस में एक्विजिशन ऑफ शेयर अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी, सेबी एंड आरबीआई। अगर आपका जो शेयर एक्विजिशन है ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी, सेबी और आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है, आपने एसटीटी पे नहीं भी किया तो भी आप 112 ए अप्लाई कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। दूसरा, शेयर्स एक्वायर्ड बाय नॉन रेसिडेंट अंडर द एफडीआई गाइडलाइंस। अगर एफडीआई गाइडलाइंस के अंदर में आपने शेयर एक्वायर किया था पर आपने एसटीटी पे नहीं भी किया होगा तो भी आप 112 ए अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा, एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय इन्वेस्टमेंट फंड और वेंचर कैपिटल फंड दैट इज वीसीएफ और क्यूआईबी दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अगर शेयर्स का एक्विजिशन वेंचर कैपिटल फंड से हुआ, इन्वेस्टमेंट फंड से हुआ और यहां पे एसटीटी पे नहीं भी हुआ तो भी ये लोग 112 ए अप्लाई कर पाएंगे। एंड द लास्ट, शेयर एक्वायर्ड थ्रू प्रेफरेंशियल इशूड एज पर द सेबी। अगर सेबी की गाइडलाइंस के तहत प्रेफरेंशियल इश्यूज में आया होगा तो भी आप 112 ए अप्लाई कर पाएंगे। सिचुएशन बी, एक्विजिशन ऑफ लिस्टेड शेयर नॉट एंटर्ड इन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। मान लीजिए ऐसा था कि उस टाइम तक के ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं था और आपने तब एंटर किया था इस सिक्योरिटी के अंदर में, एंड दिस शेयर्स एक्विजिशन वेर अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी, सेबी और अंडर एफडीआई गाइडलाइन और एज पर द ईसॉप स्कीम, यस और नो, तो भी आपके ऊपर 112 ए अप्लाई करेगा। एक्विजिशन एज पर सेबी, आपने सेबी के रूल्स के हिसाब से एक्विजिशन किया था, 112 ए आप बिल्कुल ले पाएंगे भले एसटीटी पे हो ना हो। एक्विजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से एक्विजिशन किया आपने, एसटीटी पे नहीं भी किया
तो भी चलेगा. इन्वेस्टमेंट फंड सेम. एक्विजिशन बाय अ मोड ऑफ ट्रांसफर अंडर 47 और 50 बी काम की चीज. मान लीजिए मुझे शेयर्स ही गिफ्ट में मिले थे, मैं कहां से एसटीडी पे करूंगा? बट मेरा यह हक तो बनता है कि मैं 112 ए लू. सेक्शन 47, मान लीजिए गिफ्ट में आया, अमलगमेशन में आया, डीमर्जर में आया, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में आया, या 50 बी स्लम सेल में आया. 50 बी स्लम सेल में आया, क्यों मैं एरो ना करके लिखता क्यों नहीं हूं? मैं क्यों हाथ ऐसे 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 और ऐसे पकड़ के बैठता हूं? अबे लिख ना, तेरे हाथ लिखने के लिए भी बने हैं. 47, 50 बी 47 ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. 47 ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. 50 बी स्लम सेल. अगर इनके थ्रू आया, अब लॉजिकली सोच के देखो, स्लम सेल में क्या होता है? स्लम सेल में हम सिंगल कंसिडरेशन में सब कुछ एक्वायर कर लेते हैं, हम इंडिविजुअल असेट्स का तो वैल्यू ही नहीं करते. एसटीटी कहां से दिमाग लगाएंगे? अब स्लम सेल के थ्रू भी आपने एक्वायर किया है शेयर्स, भले ही उस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं थे ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने एसटीटी पे नहीं किया, स्टिल हम 112 ए आपको अप्लाई करने देंगे. तीसरा, एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट कंपनी इज डीलिस्टेड एंड एंडिंग ऑन अ डेट इट इज रीलिस्टेड. मान लीजिए आपने शेयर्स उस टाइम पे लिया जब कंपनी डीलिस्टेड थी और बाद में रीलिस्ट हुई, इस दौरान आपने अभी कोई सिक्योरिटी परचेज किया जिसपे आपने एसटीटी नहीं दिया हो, जरूरी नहीं है. ऐसे केसेस में आपने एसटीटी पे नहीं भी किया तो भी आप 112 ही अप्लाई कर पाएंगे. गेटिंग और नॉट? सो दिस वॉज नोटिफिकेशन नंबर 60/2018, जो सिंपली ये बात कह रहा था कि कुछ केसेस में आपने एसटीटी पे नहीं भी किया तो भी आप 112 ए अप्लाई कर पाएंगे. चेक कीजिएगा, इन द फॉलोइंग केसेस इवन इफ एसटीटी इज नॉट पेड देन ऑल्सो एसएससी इज एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ 112 ए. गेटिंग इट अ नॉट? सो वापस आ मेरे भाई ऊपर, आप देख रहे हो सातवां अमेंडमेंट नोटिफिकेशन नंबर 60/2018. ये सातवां अमेंडमेंट है अंडर द हेड कैपिटल गेन. हालांकि मैक्स ऑफ देम आई हैव ऑलरेडी टेकन इन रेगुलर बैच, डोंट वरी. इसमें से मैक्सिमम मैं ले चुका हूं, सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो मैंने नहीं लिए हैं. आपने उस जगह पे जाकर के बस अप्रोप्रिएटली चेंजेस करने हैं और बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई उस हिसाब से चालू कर देनी है. इज दैट डन? आइए सर आगे बढ़ते हैं. आई थिंक द लास्ट थिंग क्या हुआ? हाँ, तो सेल के टाइम पे आप करोगे, बाय के टाइम पे नहीं. वहां पे लॉ में क्या लिखा है कि आपने बाइंग एंड सेलिंग वर्ड यूज किया हुआ है. तो अब हो क्या रहा था, बाइंग के टाइम पे तो 2003 में मैंने शेयर लिया, बाइंग के टाइम पे मेरे पास एसटीडी नहीं था. सेल के टाइम पे कर दो, भले ही बाय के टाइम तुमने पे नहीं भी किया है तो भी तुम 112 ए का बेनिफिट ले लो. सेल के टाइम तो करना पड़ेगा ना उस टाइम पे. यस. नेक्स्ट, प्रेस नोट डेटेड 20 सितंबर 2019. एक मिनट, वापस से डेट बोलिए. 20 सितंबर 2019. आपको तो याद है ना, ये वो दिन था जिस दिन हम लोगों को हाहा बेवकूफ बनाया गया कि आपके टैक्स रेट रिड्यूस हो गए. हालांकि वो बेवकूफ बनाना नहीं था, वो टेक्निकली आपके पास एक ऑप्शन था. याद होगा तो ये लाइन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है. एनहांस सरचार्ज 111 ए और 112 ए पे एप्लीकेबल नहीं है. बस कैपिटल गेन का उसका दूसरा इफेक्ट यहां पढ़ रहे हो. इसका पहला इफेक्ट आपने मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया ऑलरेडी. सो देख लीजिए, एनहांस सरचार्ज रेट. एनहांस सरचार्ज मतलब कौन सा एनहांस? 25% वाला और 37% वाला. याद होगा तो इसके ऊपर पूरे 2 घंटे शांति से दिए हमने. एनहांस सरचार्ज रेट शैल नॉट अप्लाई टू कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी. द एनहांस सरचार्ज शैल नॉट अप्लाई ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डेरिवेटिव इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. इंक्लूडिंग अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन भी है
उस पे भी एनान सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है. गेटिंग इट और नॉट? फाइनली योर कैपिटल गेन इज ओवर. कैपिटल गेन 7 अमेंडमेंट. अगर आप देखोगे इस बार कैपिटल गेन के अमेंडमेंट पीजीबीपी से ज्यादा बड़े हुए हैं और भारी हैं सभी के सभी. हालांकि मोस्ट ऑफ देम मैंने अपने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर में कवर किए हैं. सो सिर्फ ये ब्रशिंग अप है. याद दिला दूं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. हालांकि आपको अब इसके ऊपर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बोला आपका अमेंडमेंट स्पीड में निकलेंगे. अभी हमको सिर्फ इसके कॉन्सिक्वेंशियल पार्ट पढ़ने हैं. हमने इस पे पहले बहुत मेहनत कर ली फर्स्ट पार्ट में. याद होगा तो 56(2) में एक अमेंडमेंट हुआ है. अमेंडमेंट क्या था? दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड. एक अमेंडमेंट ये. दूसरा अमेंडमेंट क्या था? गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया विल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजन विल डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया. यह है पहला. गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट मेड आउटसाइड इंडिया शैल डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया. दूसरा, बोर्ड शैल स्पेसिफाई द प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शन और क्लासेस ऑफ पर्सन टू विच 56(2)(10) एंड 50CA शैल नॉट बी एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू. बस ये दो ही अमेंडमेंट है, बाकी ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन रीराइट किया हुआ है. ऊपर मैंने सिर्फ सेक्शन रीराइट किया हुआ है. आइए इसमें एक और पार्ट पढ़ते हैं. गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉलोइंग पर्सन इज एग्जम्प्ट. क्या तुम्हें याद है? गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, विल, इनहेरिटेंस बाय लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA, होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी और वाइस वर्सा. याद है? इसमें दो चीजें और ऐड हुई. पहला जो आप पढ़ चुके हैं, फ्रॉम क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब. दूसरा, गिवन बाय इंडिविजुअल टू ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव. जरा ध्यान से सुनिए, ये वाला पार्ट ध्यान से सुनिए. देखिए, सिचुएशन वन लिखना मत, सिर्फ समझना पहले. सिचुएशन वन, दो रिलेटिव विजय और विनय, ठीक है? विजय ने विनय को कोई गिफ्ट दिया. सिंस इट वॉज अ ब्रदर, 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल एंड द थिंग इज टोटली एग्जम्प्ट. डन. अब हो क्या रहा था, सिचुएशन टू समझना. सिचुएशन टू, विजय ने जिंदगी के अंदर में थोड़ी बहुत तरक्की कर ली, उसने पैसे भी कमा लिया. उसने सोचा कि मेरी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी, क्या पता इनमें से कब कौन कहां नालायक निकल जाए. बट यू नो, एज अ हेड, कभी मेरे पोते नाती इन लोगों को कुछ पैसे की जरूरत पड़े तो मैं आज से ऐसा क्या करूं कि इन लोग कभी वैसा हो. हालांकि हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे आदमी ये सोचता है मैं तो जी लूं, वो आएंगे उनका देखेंगे. बट स्टिल मेरा हार्ट अभी भी ओल्ड स्कूल में था और मैं सोचता था कि भैया होना चाहिए, मैं कुछ करके जाऊं. तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रस्ट बनाया. ट्रस्ट के अंदर में एक प्रॉपर्टी डाल दी. इस प्रॉपर्टी का नाम था प्रेस्टीज पॉइंट, ठीक है? और प्रेस्टीज पॉइंट की हर दुकान को मैंने किराए पे दे दिया और इससे आने वाला सारा इनकम मैंने ट्रस्टी को बोल दिया कि तुम मेरे रिलेटिव को दोगे. वापस से सुनिएगा साहब, अगर मैं डायरेक्ट रिलेटिव को दूं टोटली एग्जम्प्ट. मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, मेरे जो पोते नाती बच्चे आएंगे मेरे को बोलेंगे नानू नानू दादू दादू, इनके लिए भी मैं कुछ करके जाऊं ना यार. तो मैंने क्या किया, पैसे से पूरा प्रेस्टीज पॉइंट को खरीदा, प्रेस्टीज पॉइंट ट्रस्ट बनाया और ट्रस्टी को बोल दिया यहाँ की सारी दुकानें आपको क्या करनी है, किराए पे देनी है. नाउ डोंट जज मी कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ठीक है? तुमने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, राइट? डोंट जज मी. और वो जो तुम्हारे कैलकुलेटर पे कभी कभार ई आया होगा मेरे को देख के, ठीक है, तो ये सारी बातें वहीं दबा दो, धंधे पे ध्यान दो, है ना? देखो बेटा, जैसे तुम्हें पसंद नहीं तुम्हारे मामले में कोई टांग अड़ाए.
आगे क्या बोलूँ, आप खुद ही समझदार हैं। सुनो, तो मैंने ट्रस्टी को बोला, ट्रस्टी जितना पैसा आएगा ये सब मेरे रिलेटिव को जाएगा। अब इस पे हुआ क्या, इस पे आए एओ, इस पे कौन आई, एओ आ गई। एओ का नाम था, ध्यान से सुनना, एओ का नाम था पल्लवी। एओ आकर के बोलती है कि भैया वाह, एक मिनट, मैंने ये बोला वो मेरी स्पाउस है अभी, है ना, मैंने क्या बोला, वो कौन है, एओ। उसने मुझे कहा कि मैं यहां क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट करूंगी। कौन सा प्रोविजन अट्रैक्ट करूंगी, क्लबिंग। मैंने पल्लवी को कहा, हे प्रिय, मैंने पल्लवी को कहा, हे प्रिय तुम गलत कर रही हो, वैसे देखा जाए तो गिफ्ट टू रिलेटिव इज एग्जाम, ये मेरा मेरे होने वाले जो भी बच्चे होंगे उनके लिए गिफ्ट है। इस पे आप क्लबिंग प्रोविजन कहां अट्रैक्ट कर रही है, एक रिलेटिव ने दूसरे रिलेटिव को गिफ्ट दिया है, गिफ्ट के प्रोविजन में आना चाहिए था। एओ बोला, आहा आहा आहा, ये तो तुमने डायरेक्ट रिलेटिव को तो थोड़ी दिया है, तुमने तो ट्रस्ट को दिया है। मैंने बोला, बेटा ऐसे खाओ कि ऐसे खाओ, खा तो रहे है ना, बेनिफिट अल्टीमेटली किसको जा रहा है, रिलेटिव को, तो इसे भी गिफ्ट के प्रोविजन में लेके आओ, नहीं तो मैं नहीं खेल रहा। सरकार ने इस पॉइंट को समझा और उन्होंने, अब आप अगर होते, आप विजय की जगह होते, आप क्या बोलते, भले ही मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं पर इनडायरेक्ट तो मैं ही दे रहा हूं, और किसको, मेरे रिलेटिव को, तो ये प्रोविजन अप्लाई होनी चाहिए, मुझे भी जो 56-10 में एग्जम्पशन का बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। अंडरस्टैंड, गिवन बाय इंडिविजुअल टू ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गिफ्ट। अब अगर मेरे रिलेटिव को बेनिफिट ट्रांसफर होता है, इट विल बी रिगार्डेड एज अ बेनिफिट अंडर 56-10 एग्जम्पशंस। सो अगर मैं ट्रस्ट को देता हूं मेरे रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, तो उनके हाथ में गिफ्ट बोल के टैक्सेबल नहीं है। समझ में आया, तो अदर सोर्सेज में 56-10 में ही तीन अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट, क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए एग्जम्पशन बढ़ाए जा सकते हैं। तीसरा, इन्होंने बोल दिया कि अगर कोई इंडिविजुअल ट्रस्ट को देता है किसके बेनिफिट के लिए, रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, तो ये एग्जम्पशन कैटेगरी में आएगा। इज एट डन, हा। दूसरा अमेंडमेंट खतरनाक, काम का। एक मिनट, पहले इसका साइज देख लो फिर आगे बात करते हैं। साइज देख लिया, काफी अच्छा लग रहा है ये, यू फीलिंग बेटर, गुड। बहुत इजी है, ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सुनिए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, सेक्शन 56-2, ध्यान से सुनिए, सेक्शन 56-2, अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स कहां पे, एट प्रीमियम, तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, सॉरी, कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सारे को याद आना चाहिए, हमने ऐसा प्रोविजन पढ़ा है। इशू ऑफ शेयर अगर प्रीमियम पे होता है और ये इशू प्राइवेट कंपनी, द सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट कंपनी, इन अदर वर्ड क्लोजली हेल्ड कंपनी, इन अदर वर्ड कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, प्रीमियम पे, प्रीमियम पे, तो कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। याद रखें, यहां फेस वैल्यू कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, यहां फेस वैल्यू कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, जबकि हम प्रीमियम, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस को ही बोलते हैं।
पर यहां कैलकुलेशन में फेस वैल्यू इग्नोर किया जाता है और फेयर मार्केट वैल्यू पे ध्यान दिया जाता है। फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका रूल 11 के अंदर में दिया है। हालांकि ध्यान से सुनिए, ये सेक्शन मेरे साथ पढ़िए और यहां पे मैंने पूरा सेक्शन रीराइट करके दिया है। इफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इशूड द शेयर टू अ रेसिडेंट शेयर होल्डर ऑन प्रीमियम, देन कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू IFOS, या बाजू में लिख दो इग्नोर फेस वैल्यू। ये एज इट इज आपके नोट्स का ही पार्ट है, डोंट वरी, ठीक है। इसके दो एक्सेप्शन थे, इसके कितने एक्सेप्शन थे, दो, मतलब ये प्रोविजन दो असेसीज पे एप्लीकेबल नहीं थी। पहला, प्रीमियम रिसीव्ड बाय वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, अगर कोई वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग था तो उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर वेंचर कैपिटल कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करती है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया, कोई भी व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेसिफाई किया, वापस से सुनिएगा, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम के ऊपर तो कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू IFOS माना जाएगा। लेकिन ये सेक्शन दो लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, पहला वेंचर कैपिटल फंड और दूसरा पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक के सिर्फ दो लोगों को स्पेसिफाई किया था, कैटेगरी 1AIF, कैटेगरी 2AIF को इस साल से ऐड कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, अब तक के सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ एक व्यक्ति को नोटिफिकेशन निकाल के एग्जम्प्ट किया था, वो एक व्यक्ति कौन था, कैटेगरी 1AIF, राइट। कैटेगरी 1AIF क्या होता है, ये सेबी का पार्ट है, आपने सिर्फ इसके वर्ड को ध्यान में रखना है, कैटेगरी 1AIF। इस साल से फाइनेंस एक्ट 2019 से कैटेगरी 2AIF पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर कैटेगरी 2AIF शेयर इशू करती है प्रीमियम के ऊपर, इफ एनी, राइट, तो उन पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा व्यक्ति भी इसमें ऐड कर दिया गया और वो आया नोटिफिकेशन 19 फरवरी 2019 से। मतलब आप एक बात देखे साहब, मैं यहां पे सिर्फ अमेंडमेंट नहीं, सिर्फ फाइनेंस एक्ट नहीं, नोटिफिकेशन और सर्कुलर भी कवर कर रहा हूं, क्योंकि अपना रूल सिंपल है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, जब पढ़ी रहे हो तो पूरा का पूरा ही पढ़ लो, नहीं तो पूरा का पूरा छोड़ दो, यस ऑर नो। सो पॉइंट इज, नोटिफिकेशन नंबर 19/2019, तीसरा व्यक्ति भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जिसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। एवरीबॉडी फोकस कहां है, किन किन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। पहला, वेंचर कैपिटल फंड कैटेगरी 1AIF, कैटेगरी 2AIF और स्टार्टअप्स, स्टार्टअप कंपनी, वापस से एवरीबॉडी, सेक्शन बस इतना सा है, सुनो ना, सुनो, सुनते हो, सेक्शन इतना ही है, यहां खत्म। तो फिर नीचे क्या है, स्टार्टअप का मीनिंग अगले दो पेज तक के चल रहा है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, अमेंडमेंट और सेक्शन यहां खत्म, स्टार्टअप मतलब क्या, ये दो पेज चल रहा है। सो वापस से सुनिए, सर क्या हमें पढ़ना है, पहले ये तो समझ लो, पढ़ने का बाद में देखना, पहले ये पढ़ लेते हैं। वापस से एवरीबॉडी, व्हाट इज सेक्शन, अगर कोई भी, एवरीबॉडी, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू करती है काय पे, प्रीमियम पे, तो कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू IFOS। हालांकि ये सेक्शन कुछ कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, पहला वेंचर कैपिटल, दूसरा कैटेगरी 1AIF, हाँ यही तुम गलत कर रहे हो, दूसरा वो सारी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या बोला है, कैटेगरी 1AIF, कैटेगरी 2AIF, स्टार्टअप्स। अब आया ध्यान में की दुकान में कितने एक्सेप्शन है, दो, तुम एक्सेप्शन चार नहीं हो गए, एक्सेप्शन आज भी दो ही है, पहला वेंचर कैपिटल, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बताई हुई सारी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बताई हुई में आप कितने, तीन, कैटेगरी 1AIF, कैटेगरी 2AIF, स्टार्टअप्स। समझ में आई बात, बस इतना ही सेक्शन था, अमेंडमेंट ओवर। हालांकि मैं एक क्विक रिकैप दे रहा हूं, स्टार्टअप मतलब क्या होगा, ठीक है, राइट,
हालांकि ये वाला जो पार्ट है ये आपने एक बार घर पे पढ़ना है। स्टार्टअप मतलब क्या होगा, बस मैं क्विक रिकैप दे दूंगा। सो नोटिफिकेशन 19-2019, स्टार्टअप शैल बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर 56(2) इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर मेंशन्ड इज सेटिस्फाइड। स्टार्टअप्स को भी बेनिफिट मिल जाएगा इस सेक्शन का। सो अगर कोई भी न्यू स्टार्टअप, अब देखो इस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे देगा, वो आपको बताएगा इट इज अ न्यू स्टार्टअप विच हैज इश्यूड द शेयर एट प्रीमियम, फेयर मार्केट वैल्यू लिखा होगा, कंसिडरेशन लिखा होगा और आपका फेस वैल्यू भी लिखा होगा। आपको चेक करना होगा बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, और अगर बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी तो ही आपको इनको एग्जम्पशन देना होगा, नहीं तो इनके टैक्सेबिलिटी लानी होगी। तो क्या करेंगे, पहले केस बताएंगे सारी कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई होगी, नीचे क्वेश्चन टू लिखा होगा, बोला होगा इफ दिस इज नॉट सेटिस्फाइड देन व्हाट इज योर आंसर। समझ में आई बात, सेटिस्फाई हो गया पूरा का पूरा एग्जाम, नहीं सेटिस्फाई हुआ प्रीमियम टैक्सेबल। समझ में आई बात, पहला स्टार्टअप मतलब क्या होना चाहिए, कंपनी वुड बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशंस क्या क्या है देखिए, पहला इट इज कंसिडर्ड एज स्टार्टअप फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होगी पहले 10 साल इसे स्टार्टअप ही माना जाएगा। हैं? पहले 10 साल इसे स्टार्टअप ही माना जाएगा, जिसका मतलब यह है कि पहले 10 साल में कभी भी शेयर इशू किए होंगे तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंडिया, टर्नओवर नॉट एक्सीड 100 करोड़। पहला ये पहले 10 साल स्टार्टअप ही रहेगी, ये प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। दूसरा टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंपनी इज वर्किंग टूवर्ड इनोवेशन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट और प्रोसेस विथ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तीसरा आपको एओ को प्रूव करके देना पड़ेगा दैट योर बिजनेस हैज हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपको याद हो तो पिछले 2 साल से बजट में यही वो लोग बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हाउएवर सच प्राइवेट कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप इफ इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटअप और रिकंस्ट्रक्शन। चौथा कंडीशन, ये नया कंपनी होनी चाहिए, स्प्लिटअप या रिकंस्ट्रक्शन में नहीं आनी चाहिए। पांचवा, रिकॉग्नाइज बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए डिपार्टमेंट बाय प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से। मैं बिल्कुल श्योर हूं आपको इतना डीप वो लोग नहीं पूछने वाले, बट एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट वी शुड ऑलवेज बी रेडी, राइट। छठवा कंडीशन, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड प्रीमियम आफ्टर द इशू इफ एनी डज नॉट एक्सीड 25 करोड़। छठवा कंडीशन, पेड अप कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट जो स्टार्टअप का होना चाहिए ये 25 करोड़ रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए। कंडीशन वापस से सुन लीजिए, पहला पहले ये प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए और पहले 10 साल इसे स्टार्टअप ही माना जाएगा। दूसरा टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरा इसमें हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। चौथा ये जो कंपनी है स्प्लिटअप से नहीं आना चाहिए। पांचवा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ने इसे अप्रूव करना चाहिए। छठवा पेड अप कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 25 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। छह ही कंडीशन है, सुनिए ना। अब जब ये 25 करोड़ का लिमिट काउंट करते रहेंगे तो इसमें क्या नहीं लेना है वो लिखा है। आता कैसे वाटते, बहुत छान वाटते ना। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप फास्ट ट्रैक बैच ही कर रहे हो पूरा? अमेंडमेंट है बेटा, फास्ट ट्रैक सोचो इससे भी डीप होगा। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ये 25 करोड़ में क्या क्या काउंट नहीं होगा इधर देखिएगा। द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम ऑफ 25 करोड़ विथ रिस्पेक्ट टू शेयर इशूड टू फॉलोइंग नॉट टू बी इंक्लूडेड। ये नॉट बड़ा हॉट है, इनमें शेयर इशूड टू नॉन रेसिडेंट कवर नहीं होगा। मतलब नॉन रेसिडेंट को आपने कुछ शेयर इशू किए होंगे वो कवर नहीं होगा। वेंचर कैपिटल कंपनी या फंड को कोई शेयर इशू किए हो वो कवर नहीं होगा। स्पेसिफाइड कंपनी यू नो जो सेबी के हिसाब से आई होगी, जिनका टर्नओवर एंड अदर लिमिट्स दिया हुआ है, वो एक लिमिट से ऊपर नहीं जाएगी। दैट इज नेटवर्थ ऑफ विच एक्सीड 100 करोड़ और टर्नओवर
विच एक्सीड 250 करोड़, ऐसी स्पेसिफाइड कंपनी इनके अंदर में कवर नहीं होगी। सातवा, इट हैज नॉट इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग। सातवीं कंडीशन, इट हैज नॉट इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग। आपको पता है, मैं अगर समझदार बच्चा रहता ना तो मैं भी ये 1 2 3 4 5 6 लिख देता इंस्टेड ऑफ सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखते हुए। लिख लिया ना, तो ये सातवा लिखो। इसने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कहां नहीं करना है? पहला, बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू अदर देन यूज्ड बाय स्टार्टअप और हेल्ड ए स्टॉक इन ट्रेड। पहला, कोई नई बिल्डिंग और लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पूछो क्यों? स्टार्टअप है, तुम्हें पैसे की जरूरत है, फोकट इन्वेस्टमेंट करके पैसा ब्लॉक मत करो। समझ में आ रहा है सरकार का ऑब्जेक्टिव? दूसरा, लैंड और बिल्डिंग नॉट बीइंग रेसिडेंशियल अदर देन ऑक्यूपाइड बाय स्टार्टअप फॉर इट्स बिजनेस। इसके अलावा कोई लैंड और बिल्डिंग जो आपके स्टार्टअप के लिए यूज नहीं हो रही अदर देन ऑक्यूपाइड बाय स्टार्टअप्स, ऐसी कोई लैंड और बिल्डिंग में तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, चुपचाप पैसा धंधे में लगाओ। तीसरा, लोन्स एंड एडवांस अदर देन एक्सटेंडेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लोन बांटते नहीं फिरने का, एडवांस बांटते फिरने का नहीं। तुमको पैसे की जरूरत है, तुम अभी अभी पैदा हुए हो, न्यू स्टार्टअप। चौथा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन अदर एंटिटी। तुमने इतना बड़ा दिल नहीं दिखाना कि तुम दूसरों का ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तुम खुद अभी तक सीए नहीं हुए हो, दूसरों को एडवाइस मत दो। शेयर्स एंड सिक्योरिटी, पैसे है नहीं चले इन्वेस्टमेंट करने, शेयर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं। कोई मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, यॉट और अदर ट्रांसपोर्ट नहीं लेना जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर हो अदर देन हेल्ड बाय स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए होगी, कितने लाख की भी लो चलेगा, अदर देन स्टार्टअप की व्हीकल 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बोला चलो डायरेक्टर के लिए गाड़ी उठा लेते हैं, डेप्रिसिएशन रेट हाई मिल रहा है, कुछ याद आ रहा है? डेप्रिसिएशन रेट हाई मिल रहा है, चलो बीएमडब्ल्यू X1 उठा लेते हैं। हाँ, रईसों की बातें हैं, गरीबों की नहीं। अभी तुम छोटी गरीब कंपनी हो, ऐसा करने का नहीं, राइट? ज्वेलरी, हाँ, किसको पहनाना है? कोई ज्वेलरी में और अदर बुलियंस में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। एनी अदर असेट इन द नेचर ऑफ कैपिटल असेट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। आई ला, ये तो जड़पास की बातें हैं, जड़पास में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। नहीं तो तुम बोलोगे पिकासो की बनाई हुई पेंटिंग अपन लाएंगे और कंपनी में लगाएंगे। स्टार्टअप है, पैसे पे ध्यान दो, ये सुनो। हाउएवर, इट शुड नॉट इन्वेस्ट इन सच असेट अबव फॉर मोर देन 7 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच सिक्योरिटीज आर इशूड एट प्रीमियम। ये एटलीस्ट पहले 7 साल जब सिक्योरिटी इशू प्रीमियम पे हुई है तब तक के ये नहीं करना है, बाद में अगर करेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये कंडीशन जो है ये जिंदगी भर की कंडीशन नहीं है। ध्यान से सुनिए, इस को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है, कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू IFOS। हालांकि ये तीन तरह की कंपनी पे एप्लीकेबल, सॉरी दो कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, वेंचर कैपिटल फंड और कंपनी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक कितने की है? 3, कैटेगरी 1 AIF, कैटेगरी 2 AIF, एलिजिबल स्टार्टअप। एलिजिबल स्टार्टअप होने के लिए आपको कितनी कंडीशन है? 7। टर्नओवर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्रीमियम इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होना चाहिए, पहले 10 साल तुम्हें स्टार्टअप माना जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन से नहीं आना चाहिए, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली पर्पस होने चाहिए। इसमें एक प्रोविजो भी ऐड किया है, इसमें एक प्रोविजो भी क्या किया है ऐड, तकलीफों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे तकलीफों में कोई कमी नहीं होना चाहिए, इसलिए एक और प्रोविजो ऐड किया है। जरा ध्यान से सुनिए, इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशन, मान लो तुमने बोला मैं एलिजिबल स्टार्टअप है, मुझे डिडक्शन दो, बाद में असेसमेंट हुआ, असेसमेंट में पता चला तुमने तो वो किया ही नहीं जो करना चाहिए था, कंडीशन सेटिस्फाई, तुमने तो वो किया ही नहीं जो करना चाहिए था, दैट इज कंडीशन सेटिस्फाई। तो उन्होंने कहा अगर आपने बेनिफिट ले लिया कि मैं एलिजिबल स्टार्टअप हूं, लेकिन बाद में पता चला कि तुमने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, हम इसे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानेंगे और धारा 270 के हिसाब से पेनल्टी प्रोविजन भी ठोकेंगे। मतलब
आप पहले आओगे गरीब बेचारे बन के कि सर हमें डिस्काउंट दो, और बाद में दिखा तुम सीसीडी में जाके किसी को कॉफी पिला रहे हो। पूरी फीस वसूल की जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप पहले गए, मैं एलिजिबल स्टार्टअप, मुझे बेनिफिट दो, मुझे बेनिफिट दो। बाद में पता चलता है कि आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ये अंडर रिपोर्टिंग माना जाएगा और इसे सेक्शन 270 के हिसाब से पेनल्टी प्रोविजन अप्लाई हो जाएगी, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की। सो इफ कंपनी फेल्ड टू कंप्लाई एनी ऑफ द कंडीशन, इट शैल बी डीम्ड दैट इट इज अंडर रिपोर्टिंग and it will be referred under section 270A. इस पे पेनल्टी प्रोविजन 270A के हिसाब से लागू कर दी जाएगी। आहो बहुत बढ़िया, चैप्टर ओवर। ध्यान से सुनिए, अफसोस में आई मीन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहला अमेंडमेंट 56-10 के अंदर में हुआ, जिसके अंदर में टेक्निकली तीन अमेंडमेंट थे। पहला, रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को, रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दिया, कहाँ? आउटसाइड इंडिया में। तो ये कहाँ माना जाएगा? सेक्शन 9 के हिसाब से क्या होगा? टैक्सेबल इन इंडिया। 9 सिर्फ इनकम बताएगा, टैक्सेबिलिटी 56 में आएगी। ये था पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट, क्लास और क्लासेस के लिए दिस सेक्शन नॉट एप्लीकेबल। लेकिन ये कौन से बंदे होंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा। क्या तुम्हें याद है? तीसरा अमेंडमेंट, अगर किसी भी इंडिविजुअल ने किसको दिया? ट्रस्ट को दिया। किसके लिए दिया? रिलेटिव के लिए दिया, तो फिर ये क्या है? एग्जम्प्ट। तो ये क्या है? एग्जम्प्ट। दूसरा अमेंडमेंट क्या है? अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या इशू करती है? शेयर इशू करती है। काय पे इशू करती है? प्रीमियम पे इशू करती है, तो उसको अदर सोर्सेज आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। लेकिन इसके क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 1, वेंचर कैपिटल फंड। एक्सेप्शन 2, कंपनी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तक के था कैटेगरी 1 AIF, इसमें दो अमेंडमेंट हुए, कैटेगरी 2 AIF, दूसरा अमेंडमेंट एक और हुआ स्टार्टअप। तो फिर इतना लंबा क्या था स्टार्टअप का डेफिनेशन? अरे बाप रे, इतना सा स्क्रॉल कर लो। सोचिए, अगर एज अ स्टूडेंट आप परेशान हो गए हैं तो एज ए टीचर हमारी क्या हालत हुई होगी मई 20 और नवंबर 20 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। सोचिए कि कितने अपडेट हुए हैं, समझ रहे हैं कितने लकी थे आप लोग कि आपको चुना गया इतने अमेंडमेंट झेलने के लिए। आप मुझे इन अमेंडमेंट्स को कवर करने के लिए थैंक यू मैसेज अलग से कर देना, ठीक है? और आप चॉकलेट भेजना चाहें कभी भी, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। चाय, देखिए आज सुबह का मेरा एक बहुत अच्छा थॉट था। आज मैंने चाय बनाई उठ के मेरे लिए, और उसका रीजन था मेरी बीवी ने बोल दिया था तुम जल्दी उठो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम बनाओ। मेरी धर्म वाली पत्नी ने बोल दिया था कि भैया तुम जल्दी उठो, तुम बनाओ। नाउ द पॉइंट इज, मैंने आज चाय बनाई, ठीक है, जबरदस्त। उसके अंदर में दुनिया भर की चाय बनाई, शक्कर, चाय पत्ती। पहली गलती, नॉर्मल चाय की जगह मैंने उठा करके डाल दी ग्रीन टी। अपने को थोड़ी नहीं पता, पर चाय पत्ती होती है, अपन ने डाल दी ग्रीन टी। उसको बनाने का तरीका कुछ और, अपन ने बना दिया कुछ और। इतनी घटिया चाय बनी जो मैंने जिंदगी में नहीं पी है, ठीक है सर? सुनिए, तो इसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा सवाल आया, खाना परफेक्ट होना हो चाय परफेक्ट होनी बहुत जरूरी है, ये सुनो। हालांकि हम देखते हैं कुछ लोग चाय नहीं पीते,
दो तीन भारत रत्न पड़े हो तो इन लोगों को दे दें, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए डन है साहब। सो बाय दिस टाइम हमने पांचों हेड के अमेंडमेंट्स खत्म कर दिए, हमने बेसिक और रेसिडेंशियल खत्म कर दिया, हम क्लबिंग भी खत्म कर चुके हैं, एग्रीकल्चर भी खत्म कर दिया, मतलब ले दे के कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं अब तक? बहुत सारे टॉपिक है। सुनिए, कुछ देर के लिए सेट ऑफ भी बाजू कीजिए और स्ट्रेट अवे आइए डिडक्शंस पे। मैं चाहता हूं कि इस सेशंस के अंदर में आपके मेजर अमेंडमेंट्स कवर हो जाएं पूरे, ठीक है? डिडक्शंस पे आइए। सर क्या डिडक्शन में अमेंडमेंट है? बहुत सारे डिडक्शंस में अमेंडमेंट है और अच्छे खासे अमेंडमेंट्स है। जरा ध्यान से सुनिए, सही है ये जो दर्द तुम दिखा रहे हो ना एक एक करके। सबसे पहला सबसे बेहतर डायरेक्ट 80 ईईबी में आई है। सेक्शन को याद रखने का तरीका, एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। सबसे पहला मीनिंग समझिए, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एकदम नया डिडक्शन, न्यूली इंसर्टेड, एकदम नया न्यूली इंसर्टेड। सर इसकी जड़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि बॉस 2015 में नरेंद्र मोदी साहब कमिट करके आए थे कि हम 2030 तक के क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस बजट में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर प्रोविजंस आ गई, ठीक है? मुझे इस सेक्शन को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनिए। व्हीकल का टाइप समझिए पहले, ठीक है? व्हीकल के टाइप समझिए, 80 ईईबी। एक व्हीकल जो आपका चल रहा है पेट्रोल ऑब्लिक डीजल पे, ठीक है? एक व्हीकल होता है जो होता है इलेक्ट्रॉनिक, और एक व्हीकल होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जो आपका पेट्रोल और डीजल पे भी हो सकता है और एक बटन या स्विच दबाने पे ये इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? पहले क्लासिफिकेशन समझे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस व्हीकल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस व्हीकल, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इलेक्ट्रॉनिक। हाइब्रिड वाले ये बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ये सबसे पहला क्लैरिफिकेशन है जो आपने समझना चाहिए। वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसका मोटर इंडक्शन ही इलेक्ट्रिकल हो, जो अपनी एनर्जी ही इलेक्ट्रिसिटी से क्रिएट कर रहा हो। हाइब्रिड वाले व्हीकल पे ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि देखिए कई हाइब्रिड व्हीकल्स आया है, फॉर एग्जांपल टोयोटा इनोवा हाइब्रिड में भी आया है, क्रिस्टल जो उनका नया आया है, क्रिस्टा, अभी क्या इतने बड़ी बड़ी गाड़ी अपन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, नाम भी याद नहीं रहते, राइट? अपन अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो याद क्यों रखना, सिंपल बात है। सो ऐसी जो व्हीकल है जो हाइब्रिड व्हीकल है हम उसकी बात नहीं कर रहे, मतलब हम पहली बात कर रहे हैं टोटली इलेक्ट्रॉनिक की। ये बनेगा एमसीक्यू, द बेनिफिट अंडर 80 ईईबी इज अवेलेबल टू पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड। कई बच्चे गलती कर देंगे, हाइब्रिड क्लिक कर देंगे, गलत, ओनली इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करना है आपको। समझ में आया ये क्लैरिफिकेशन मैंने पहले क्यों दिया? अच्छा जी, बेनिफिट क्या लाए हैं? इन्होंने कहा अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हैं और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप लोन पे लेते हैं, वापस से फिर से एक बार सुनिए, अगर आप क्या लेते हैं,
बोलो जल्दी, आप क्या लेते हैं? अगर कोई भी असेसी, असेसी मतलब कौन? इंडिविजुअल, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, क्लियर है? इसने क्या किया है? पे, क्या पे करना है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर एक्विजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। सवाल, ये बोरो करना कहां से है? ये बोरो आप बैंक से करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करो, एनबीएफसी से करो, या फिर अदर स्पेसिफाइड से करो, डजेंट मैटर। ध्यान से सुनिए, ये है काम की चीज। एनबीएफसी से भी किया तो भी बेनिफिट दे रहे हैं। सो अगर कोई भी एसएससी बीइंग इंडिविजुअल पे करता है इंटरेस्ट 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 ऑन बोरोड कैपिटल फॉर एक्विजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये लोन आपने बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी या अदर स्पेसिफाइड से लिया होगा, तो और ये लोन जो है, ये आप, ये जो व्हीकल है, ये जो व्हीकल है, ये आपको एक्वायर करना है 2019 टू 2023। आई थिंक अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है 2023 तक के क्यों रखते हैं कोई भी बेनिफिट। 2024 में फिर से इलेक्शन है तो बता सके ये हमने लाया था। अगर आपने ऐसा किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा कितना? एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000, विच एवर इज लोअर। बराबर है? कुल मिला के सबसे शॉर्ट में यही हो सकता है। वापस से बताइए, अगर एसएससी इंडिविजुअल है, मे बी रेसिडेंट मे बी नॉन रेसिडेंट, पे करते हैं क्या? इंटरेस्ट। ला 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 ला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल, ओनली इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करते हैं बोरोड कैपिटल पे, बोरोड कैपिटल बैंक से लियाओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लियाओ, हाईलाइट करने वाला पॉइंट, एनबीएफसी से लियाओ या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से लियाओ, व्हीकल 2019 से 2023 के बीच में परचेस हुई हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000, विच एवर इज लोअर। लोग कहते हैं ये भी एक रीजन था, यू नो, ऑटोमोबाइल स्लो डाउन जाने का, क्योंकि ऐसा कोई बेनिफिट पेट्रोल और डीजल वालों के लिए नहीं दिया। If it is done, अच्छा, सेक्शन ने एक और बात लिखी, इफ दिस डिडक्शन इज टेकन, नो अदर डिडक्शन इन एक्ट इज अलाउड। ये एक लाइन भी बड़े काम की लाइन है, जिसका मीनिंग समझे। ये एक लाइन भी बड़े काम की है। मान लीजिए आपका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है, आपने व्हीकल परचेस करी, बराबर, आप व्हीकल पे क्या क्लेम करना चाहेंगे? डेप्रिसिएशन। मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि आप इसके ऊपर इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं। इस लाइन का इंपॉर्टेंस ये है, अगर आपने ये डिडक्शन लिया, कोई और डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे जो एक्ट में है। मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपने व्हीकल परचेस की फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, आपने व्हीकल परचेस की फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये व्हीकल लिया आपने लोन पे, इस लोन के ऊपर आप क्या पे करना चाहेंगे? इंटरेस्ट। मस्त डिडक्शन लेंगे 36 के अंदर में, और यहां आके डिडक्शन लेंगे 80EEB के अंदर में। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? मस्त, क्या काटा है? गवर्नमेंट बोली बेटा या तो ये ले ले या तो ये ले ले, ऑप्शन है। क्या बोले बेटा? ऑप्शन है, या तो वहां चल जा या तो यहां आ जा, यहां आया तो वहां नहीं जाना, वहां आया तो यहां नहीं जाना। इस लाइन का महत्व समझा आपको? इफ दिस डिडक्शन इज टेकन, डिडक्शन इन ऑल अदर सेक्शन आर नॉट अलाउड।
इज दैट डन? चलो बेटा पढ़ लेते हैं लॉ की लाइन. सबने लिख लिया मेरे बच्चे? लॉ की लाइन देखो अब. इट इज अ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन विच प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन एज फॉलोज. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स अ बैंकिंग कंपनी और अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एनी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मे बी सिस्टमैटिकली और नॉट सिस्टमैटिकली, डजेंट मैटर. इन शॉर्ट यहां एनबीएफसी वालों का भी बेनिफिट कवर किया. इलेक्ट्रिक व्हीकल का मीनिंग समझिए, काम की चीज है. इट मीन्स अ व्हीकल विच इज पावर्ड एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रिक मोटर. एक्सक्लूसिवली वर्ड बोलता है हाइब्रिड नहीं चलेगा. ये वही एक्सक्लूसिवली वर्ड है जो हाइब्रिड को डिसअलाउ कर देता है. यह है इंटरप्रिटेशन इस सेक्शन का, राइट? हुज ट्रांजैक्शन एनर्जी सप्लाइड एक्सक्लूसिवली बाय ट्रैक्शन बैटरी इंस्टॉल्ड इन व्हीकल एंड व्हीकल हैज सच इलेक्ट्रिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम विच ड्यूरिंग ब्रेकिंग प्रोवाइड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. रिस्पेक्ट. ये जो हमें कॉमर्स में साइंस पढ़ाने की कोशिश की गई है ना, और इस काइनेटिक एनर्जी को स्टैटिक एनर्जी में डाल के हमारी जो एनर्जी को ल्यूनेटिक किया जा रहा है ना, ये बहुत मजेदार है. खैर, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है क्या? नहीं, बस आपको इतना याद रखना है व्हीकल आपका एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिकल हो. समझ में आई बात? हाइब्रिड व्हीकल्स चलने वाले नहीं है. आ जाइए, असेसी कौन होना चाहिए? एलिजिबल असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल. लेना कब है? अप्रैल 2019 से 2023. लोन इस टाइम पे सैंक्शन होना चाहिए. एंड देर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द वैल्यू ऑफ कार. कार कितने की भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? कार कितने की भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. डिडक्शन कितना होगा? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. द डिडक्शन इज अवेलेबल टिल द ईयर ऑफ रीपेमेंट एंड द मैक्सिमम डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 इन वन प्रीवियस ईयर. तो जब तक लोन रिपे नहीं हो जाता तब तक ये सेक्शन चलता रहेगा. बस बात इतनी सी है कि आपने यहां लिया तो कहीं और बेनिफिट लेने का नहीं. सो इफ सच इंटरेस्ट इज टेकन इट इज नॉट अलाउड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट. सिर्फ इंटरेस्ट, ठीक है? तो यहां का जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था वो कट कर दीजिए. सिर्फ इंटरेस्ट की बात है क्योंकि ये सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड है. आ जाओ बेटा, मजा आया इसमें? तो एक और सेक्शन आया आपके लिए, 80EEA. ये एक और नया सेक्शन है. हालांकि इस सेक्शन को हम कह सकते हैं एक्सटेंशन टू 80EE. 80EE नाम का एक सेक्शन हुआ करता था पुराने जमाने के टैक्स में, जब तुम माइट भी सीपीटी में होंगे, तब एक सेक्शन हुआ करता था 80EE. ये सेक्शन हमसे क्या कहता था? ये सेक्शन हमसे कहता था अगर 16-17 में लोन अप्रूव हुआ है, ध्यान से सुनिए, अगर लोन 16-17 में पास हुआ है और आपका लोन बोरोड कैपिटल पे है और ये लोन आपने बैंक या एचएफसी से किया है, बैंक या किससे किया है? एचएफसी से किया है, तो आपको एडिशनल बेनिफिट दे रहे थे 50,000 तक का इंटरेस्ट का ओवर एंड अबाउट 24B. 24B क्या था याद दिला दूं? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. अमेंडमेंट क्या आया? अगेन हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा आप घर लीजिए, घर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन बोरोड कैपिटल हम इसका डिडक्शन देंगे अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो. क्या कंडीशंस थी? इंडिविजुअल हु इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80EE कैन नाउ क्लेम इट. लोन सेंक्शन शुड बी लेस देन 35 लाख एंड लोन इज सेंक्शन बिटवीन 19-20. ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है सेक्शन. 80EEA कह रहा है, 80EEA कह रहा है अगर असेसी, अगर असेसी इंडिविजुअल है, इसने लोन लिया है किससे? फ्रॉम बैंक / एचएफसी.
नॉट एनबीएफसी, पॉइंट टू बी नोटेड, 80EEB में एनबीएफसी है, यहां पे एचएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एचडीएफसी नहीं, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इस पे उसने पे क्या किया है सर? इंटरेस्ट पे किया है ऑन बोरोड कैपिटल. अदर कंडीशन क्या है? पहला, लोन इज अप्रूव्ड इन 1920. पहला कंडीशन, लोन अप्रूव होना चाहिए 1920 में. लोन वैल्यू डज नॉट एक्सीड 35 लाख. लोन वैल्यू डज नॉट एक्सीड 35 लाख. लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक ऑब्लिक एचएफसी. लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक और एचएफसी. नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस नॉट टू एक्सीड 45 लाख. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस नॉट टू एक्सीड 45 लाख. इफ ऑल दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, डिडक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000, विच एवर इज लोअर. दिस इज ओवर एंड अबव 24B. दिस इज ओवर एंड अबव 24B. मतलब 24B में जो आपको मिलता है वो तो एज इट इज मिलेगा, यहां एडिशनल मिलेगा अगर आपने एक्चुअली पे किया होगा तो. Is that done, Babu? Say yes or yes. Is that done? चलिए बेटा ध्यान से सुनिए. आओ इधर देखो. Assessee who is individual. Loan value should be 35 lakhs, not exceed 35 lakh. 1920 and not 1617. 1617 वाला कहाँ था? 80EE. Stamp duty value of the house should not exceed 45 lakh. Assessee should not own any other house during the period and loan should be sanctioned in 1920. There is no maximum limit on the amount of loan. Deduction kitna? Deduction aapko milega 1,50,000 in one previous year. The maximum limit and over and about 2 lakh limit as given by section 24. To aap ek jo self-occupied property le rahe hain, again I just added to this, ye loan interest on borrowed capital for self-occupied property hai. Not for other. This is for self-occupied property. Is that done? Chaliye. This deduction is available till the year repayment continues. Ye tab tak chalega jab tak ki aapka repayment continue chal raha hai. Deduction under 80EEA is allowed for interest paid on loan, interest paid on loan, interest paid on loan, interest paid on loan. We are not talking about principal. So, ek aur word jod dijiye, not principal.
ये शायद गलत हुआ है क्या, ऐसा आना चाहिए। इज दैट डन? दो नए सेक्शन समझ में आए? आइए, खत्म नहीं हुआ है। तीसरा, तीसरा चेंज, ये जो डिडक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे लिख दीजिए रेफर विथ एग्जम्पशन। ये पार्ट एग्जम्पशन में पढ़े ज्यादा बेहतर है। एक और अमेंडमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, 80IBA, 80IBA हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिडक्शन देता था। डिडक्शन क्या था मैं आपको याद दिला दूं, 100% का डिडक्शन है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। किसके ऊपर बोलो बेटा? हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर 100% डिडक्शन है। लेकिन इस सेक्शन में सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है। ये इतना बड़ा सेक्शन है, मैंने यहां पे पूरा सेक्शन रीराइट करके दिया हुआ है, यहां पे मैंने पूरा सेक्शन रीराइट करके दिया हुआ है। लेकिन यहां मेजर दो जगह पे अमेंडमेंट हुआ है। पहला, यहां पे जो ईयर 2019 तक था इसे 2020 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आपके लिए जानकारी वाली बात क्या है, नाउ 80IA इज ऑल्सो एप्लीकेबल टिल 2020। ये पहला अमेंडमेंट है, ठीक है। दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ है? दूसरा अमेंडमेंट हुआ है कुछ सिटीज को इंक्लूड कर दिया गया है हाई टायर सिटीज के अंदर में। ये हुआ है दूसरा अमेंडमेंट। सर क्या ये फाइनल और इंटर दोनों पे एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। कैसी बातें कर रहे हो सर, अपना मॉड्यूल चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 80IA हाउसिंग प्रोजेक्ट्स क्या बोलते हैं जरा देखिए। अगर कोई भी SSC हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में है, जिसको हम कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग्स, यस सुनो, हाउसिंग प्रोजेक्ट में है, ये सेक्शन किसके लिए? बिल्डर के लिए, राइट। 100% डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम मेंटेनिंग हायर हाउसिंग प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैं बिल्डर हूं, अगर मैं कौन हूं? बिल्डर हूं, और बिल्डर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाता है तो जितना भी इनकम आ रहा है उससे, उस प्रोजेक्ट से, ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर इस सेक्शन में दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये बिकेगा कब? इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, क्योंकि देखिए जब एक प्रोजेक्ट बनता है इसके अंदर के सभी फ्लैट एक साथ नहीं बिकते, तो जब भी बिकेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर जितना भी इनकम आएगा इस प्रोजेक्ट से अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो पूरा का पूरा बेनिफिट जरूर मिलेगा। वापस देखिएगा, कुछ चीजें आप अपने साथ हाइलाइटर ले लें, हाईलाइट ही करके रखें। पहला, 100% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। जितना भी प्रॉफिट आ रहा है 100% फ्रॉम द हाउसिंग प्रोजेक्ट, टोटली क्या है, डिडक्शन अलाउड है। अब डिटेल पढ़ना है, हाउसिंग प्रोजेक्ट मतलब क्या होगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट हैज टू सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80IB। सारी कंडीशन क्या है जरा देखिए। कंडीशन, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी बिफोर 2020। पहले क्या होता था ये? 2019। तो पहला, ये अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। ये 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिस दिन से इसको अप्रूवल मिला वहां से 5 साल में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा, द कारपेट एरिया ऑफ शॉप एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ द एग्रीगेट कारपेट एरिया। जो कारपेट एरिया है कमर्शियल स्पेस का है वो 3% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एग्रीगेट कारपेट एरिया का, राइट। मतलब क्या, प्योरली हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, इसमें कमर्शियल मिक्स मत कर देना। इसीलिए कमर्शियल स्पेस जो होना चाहिए वो 3% ऑफ द एग्रीगेट कारपेट एरिया से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। चौथा, इफ हाउसिंग प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बिफोर सितंबर 19, देन वेयर रेसिडेंशियल यूनिट इज अलॉटेड टू इंडिविजुअल, नो अदर यूनिट शैल बी अलॉटेड टू हिज स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन।
अगर ये अप्रूव हुआ है 1 सितंबर 2019 से पहले, 1 सितंबर 2019 से पहले, अगर मैंने उस घर में, उस बिल्डिंग में घर लिया है, तो मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को उस घर में जगह नहीं देनी है। उस घर में मतलब उस बिल्डिंग में कोई दूसरा घर नहीं देना है। मेरे घर में तो उनका चराज है, मेरे को जगह मिलेगी क्या, ये क्वेश्चन है। दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिए, दूसरा कंडीशन क्या था, अगर प्रोजेक्ट बड़े काम की चीज है बाबू, आप समझ नहीं रहे हो, ये हम बात कर रहे हैं जब अप्रूव हुआ है बिफोर 1 सितंबर 2019। बिफोर 1 सितंबर 2019 अगर मुझे घर दिया तो उस पूरी बिल्डिंग में, आखी बिल्डिंग में मेरी धर्म वाली पत्नी को और मेरे बच्चों को नहीं रखना है। ऐसा है क्या उसका मीनिंग? नहीं। दूसरा फ्लैट उनको नहीं देना है, है ना? नहीं तो मतलब सोचो वैसा ला लेते तो पूरा भारत खुश हो जाता, आप समझ रहे हो, वैसा ला लेते तो पूरा भारत खुश हो जाता और बहुत अच्छा लगता सबको, राइट? अच्छा दूसरा एक क्या था, पहला दूसरा कंडीशन था प्लॉट का साइज क्या होना चाहिए। देखो साहब इतनी बारीक डिटेल समझनी पड़ती है, प्लॉट का साइज क्या होना चाहिए। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में हैं, कहां कहां बेटा वापस बोलो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, साइज ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस देन 1000 स्क्वायर मीटर, कारपेट एरिया शुड नॉट बी मोर देन 30 स्क्वायर मीटर, राइट? एंड परसेंटेज ऑफ फ्लोर एरिया टू बी यूटिलाइज्ड इज नॉट लेस देन 90%। जितना भी फ्लोर एरिया इसका 90% आपको यूज करना है। कुछ नहीं, आपको इंजीनियर को ये बात बता देनी है कि इस कंडीशन में बैठा के दे पूरा, वहां पे जाके इंच टेप लेके आपको नापने की जरूरत नहीं है, पर ये कंडीशन याद रखिएगा। अदर प्लेसेस के लिए था 2000 स्क्वायर मीटर और इसका डबल 60 स्क्वायर मीटर, और यूटिलाइजेशन वाला एरिया था 80%। यूटिलाइजेशन वाला एरिया कितना था बेटा, 80%। इज दैट डन? अमेंडमेंट कहां कहां आया है, पहला अमेंडमेंट आया था 2019 से 2020। दूसरा ये जो सिटीज है इनको हम कहते थे मेट्रो एरिया, इनको हम कहते थे नॉन मेट्रो एरिया। इन मेट्रो और नॉन मेट्रो एरिया में इंक्रीमेंट आया है, कुछ नई सिटी मेट्रो एरिया में इंक्लूड हो गई है। पहले सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई था। आफ्टर 2019, इधर देखो, आफ्टर 1 सितंबर 2019 देन वेयर यूनिट इज अलॉटेड टू इंडिविजुअल नो अदर यूनिट विल बी अलॉटेड, लेकिन नई सिटीज इंक्लूड हो गई है। पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हुआ करती थी, अब इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिला गाजियाबाद, फरीदाबाद गुरुग्राम, हैदराबाद एंड होल ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन भी इसके अंदर में कवर कर दिया गया है। अमेंडमेंट क्या हुआ, नई सिटीज आ गई। दूसरा अमेंडमेंट, पहले क्या बोला था, 1000 स्क्वायर मीटर प्लॉट का साइज होना चाहिए और कारपेट एरिया 30 होना चाहिए। अब कहते हैं प्लॉट का साइज तो 1000 ही चाहिए, लेकिन यह भी कितना चाहिए, 60 स्क्वायर मीटर चाहिए। नीचे वाले में एक और चेंज, नॉट लेस देन 2000 स्क्वायर मीटर, यहां 60 की जगह कितना कर दिया, 90 स्क्वायर मीटर कर दिया। बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। सर आप ये बोल करके पूरे अमेंडमेंट पढ़ा रहे हो, चेंज था काफी था। वापस से देखिए, अब तक हमने 3 अमेंडमेंट पढ़े, 80EEB, 80EEA, 80IBA। IBA के अंदर में कितने अमेंडमेंट हुए, IBA के अंदर में कितने अमेंडमेंट हुए, 3। पहला एक, दूसरा नई सिटीज आ गई, तीसरा परसेंटेज बढ़ गए, परसेंटेज बढ़ गए। ये 3 अमेंडमेंट एक ही सेक्शन 80IBA के अंदर में हुआ है, बाकी पूरा सेक्शन रिमेन सेम। बहुत बढ़िया। 80LA लिख दीजिए, नॉट इन इंटर, कितना बड़ा रिलीफ मिला ना तुमको, ऐसा तुमको हा वाला फीलिंग आया होगा ना।
आंखें भर आई कुछ लोगों की तो कैसे आंखें भर आई, ये देखो ऐसे और इसमें आंखें भर आती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये तो एग्जम्पशन उधर पड़ेंगे। सीसीडी लास्ट अमेंडमेंट अंडर द डिडक्शन, पर बहुत बड़ा है, ध्यान तो सुनने। क्या बेटा आप थक गए? बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करो, जब तक थकोगे नहीं मजा कैसे आएगा। अरे गंदे लोग हो तुम लोग, हैश। पेंशन स्कीम, पहले तो मैं आपको कुछ याद दिला देता हूं, ठीक है? 1 2 3 एक बात बताऊं, छोड़ो बाद में बताऊंगा, ठीक है? 80 सीसीडी याद दिलाता हूं, लेकिन इसके पहले 80 सीसीई याद दिलाता हूं। सर एक मिनट, तुम बोल अमेंडमेंट इधर हुआ है, तुम इधर का क्यों याद दिला रहे हो? जब तक ये नहीं पढ़ोगे वो नहीं समझ आएगा। पहले सुनो, 80 सीसीई कहता था द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। क्या तुम्हें याद? सेक्शन 80CCE कहता था द डिडक्शन अंडर 80C CCCD कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। बोलो हाँ। अब क्या है ये समझिए, 80CCD तीन अलग अलग भागों में डिवाइडेड था, 80CCD 1, 80CCD 1B और 80CCD 2। क्या तुम्हें याद है? ये तीन पार्ट में डिवाइडेड था। 80CCD 1 कहता था मैक्स लिमिट कितनी है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो तो 10% ऑफ सैलरी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आपका खुद का बिजनेस है, तो 20% ऑफ GTI, बट दीज वेयर सब्जेक्ट टू 1,50,000, दीज वेयर सब्जेक्ट टू 1,50,000। से यस, अगर आप एम्प्लॉय हो 10% ऑफ सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड हो 20% ऑफ GTI, बट दिस वॉज सब्जेक्ट टू 1,50,000। 80CCD 1B कहता था कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपको ओवर एंड अबाव हम एडिशनल बेनिफिट देंगे अप टू ₹50,000। मतलब आप 80CCD 1 में 1,50,000 रुपए तक का बेनिफिट ले लें, बचावा भी अगर आप और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 80CCD 1B में एडिशनल ₹50,000 का डिडक्शन दिया जाता था। मतलब ओवरऑल 80CCD का बेनिफिट ही 2,00,000 रुपए हो जाता था ओन कंट्रीब्यूशन का। किसका बेटा? ओन कंट्रीब्यूशन का। ये था ओन कंट्रीब्यूशन। सो ओन कंट्रीब्यूशन कितने तक के अलाउड था? अगर देखा जाए तो मैक्स 2,00,000 पे पहुंच जाता था, 1,50,000 80CCD 1 का, एडिशनल 50,000 80CCD 1B का। अमेंडमेंट आया है 80CCD 2 में, तो सर ये क्यों पढ़ाया? पता तो होना चाहिए ना क्या है 80CCD 2 क्या है। अगर मैं आता और डायरेक्ट बोल देता 80CCD 2 में अमेंडमेंट है, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ये सेक्शन ही क्या है। अब 80CCD 1 80CCD 2 में क्या आया है, अगर आपको याद हो 80CCD 2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करता है। सबसे पहले तो बोलो किसकी बात करता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है? ये क्या कहता है, अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयड वालों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए नहीं है, अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी, ये पहले कितना हुआ करता था 10% ऑफ सैलरी, ये है अमेंडमेंट। अगर एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 14% ऑफ सैलरी तक के अलाउड है। ये पहले 10% हुआ करता था, अब ये 14% है। अगर ये अदर एम्प्लॉय है, अगर ये अदर एम्प्लॉय है तो ये आज भी 10% ऑफ सैलरी है। अमेंडमेंट कहां आया है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम को, ये 10% से इंक्रीज होके 14% हो चुका है। वापस से, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज नाउ 14% ऑफ सैलरी इंस्टेड ऑफ 10% ऑफ सैलरी। समझ में आया? जिसकी इच्छा हो वो ये ड्रॉ कर सकता है। अच्छा, हो गया क्या? Is that done? हाँ जी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये ओन है, काहे भूल रही हो? हैं, पसंद नहीं आता? चलिए साहब, साहब डन बोलिए और डिडक्शन खत्म कीजिए। बेटे जी डन, से यस एवरीबॉडी, फोकस, वी हैव डन विथ 80 CCD, जिसमें 80 CCD 2 में अमेंडमेंट आया है 14% का, इफ द एम्प्लॉई सैलरी वेयर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी एज इट इज जो अपन ने पूरा पढ़ा वही है। सो देयर बाय वी ऑल्सो कंक्लूड द चैप्टर कॉल्ड एज डिडक्शन। आता कसं वाटते?
बहुत भारी सर, बहुत भारी लग रहा सर, अच्छा तुमने ऐसा बोला क्या, बहुत भारी लग रहा सर, अच्छा ऐसा बोला क्या भाई साहब। लेकिन एक बात समझो कि तुम तो लाइव में हो, अब तो ठीक है, वर्चुअल वाला क्या करेगा, 1.3 वो भाई साहब मेरी स्पीड ऑलरेडी हाई है, उसको 1.3 जमेगा नहीं, मेरे इसमें ऑलरेडी 1 पे आना पड़ेगा उसको। चलिए साहब, हाँ थोड़ा सा रिलीफ मैं आपको दे दूं, मैं जानबूझ के आपके साथ बार बार शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको रिलीफ महसूस होते रहे और आपको पता चले कब मैं 16 पे पहुँचूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, सबसे बड़े हाथी आपने पार कर दिए, सैलरी, HP, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, अरे क्लबिंग, डिडक्शन, बस आप 10 तक ही पहुंचे हैं। चलो अभी भी अमेंडमेंट किस में बाकी है बेटा, अभी सेट ऑफ पढ़ना है, मैं आपको बता दूं, अभी तो सिर्फ मॉड्यूल 2 वाले, बाकी सारे अमेंडमेंट अलग। मैं इनिशियली आप तक के कितने हैं, सेट ऑफ, TDS, बेटा भूलना मत, रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स में तो है ही नहीं, खैर हैं, अरे मैं कैसे भूल सकता हूं, एग्जम्पशन, इसी में तो सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। तो 4 टॉपिक है जिसके अंदर में तुमको अभी भी अमेंडमेंट पढ़ने हैं और बाकी वाले सब अलग, ध्यान से सुनना है ना। आओ TDS पे चलते हैं, थोड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, 11th पार्ट पे सर, बहुत छोटा है, पलट के देख सकते हैं, पर ऐसे चालू होगा ऐसे खत्म होगा, बस चुटकी थोड़ी लेट बजानी है आपने। आइए सर, चुटकी थोड़ी लेट बजानी है बस, बाकी सब तो ठीक ही है। अच्छा सुनिए, मैंने जब भी कोई सेक्शन लिखा, इस सेक्शन को बहुत ज्यादा लिखा है आप समझिएगा, पर मैं इसको शॉर्ट में यहां लिख के दे रहा हूं तो आपका वो इजी हो जाएगा। TDS, अक्का TCS, अक्का एडवांस टैक्स, ये तीनों टॉपिक जनरली एक साथ होते हैं, ठीक है। दो TCS एंड एडवांस टैक्स के अंदर में कोई अमेंडमेंट नहीं, TDS हैज गॉट सब्सटेंशियल अमेंडमेंट विथ न्यू इंक्लूजन, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन जो इसके अंदर में ले रहे हैं हम, वो है सेक्शन 194A, इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, ये बात करता है इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज की, ध्यान से सुनिए, ये बात करता है इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज की, ठीक है। अगर पेयर मतलब कौन, देने वाला, ठीक है, अगर पेयर बैंक रहा या पोस्ट ऑफिस रहा, ये TDS डिडक्ट करता था अगर इंटरेस्ट एक्सीड करता था ₹10,000 से, क्या तुम्हें याद है, और अगर पेयर अदर रहा तो ये TDS डिडक्ट करता था अगर इंटरेस्ट एक्सीड करता था कितने से, बोलो 5,000 से, डू यू अग्री, व्हाट इज अमेंडमेंट। अच्छा एक और बात, ये 10,000 था नॉर्मल SSC के लिए, ये 10,000 था नॉर्मल SSC के लिए, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन होता तो उसके लिए लिमिट थी 50,000, उसके लिए लिमिट कितनी थी 50,000, क्या तुम्हें याद है, सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 कर दी गई थी, और इसी के लिए डिडक्शन में एक और नया सेक्शन ऐड भी किया गया था, याद होगा तो 80TTB एक नया डिडक्शन ऐड भी किया गया था कि बॉस इंटरेस्ट जब बैंक पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव से आता है
तो सीनियर सिटीजन को डिडक्शन 10,000 की जगह 50,000 मिलेगा. व्हाट इज अमेंडमेंट? नाउ दिस 10,000 हैज बीन इंक्रीज टू 40,000. तगड़ा अमेंडमेंट है. इतने वर्ड पढ़ने से बेटर मेरा चार्ट भी पढ़ लो तो भी समझ में आता है. सो वापस से सुने पूरा अमेंडमेंट. 194A, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी पेयर अगर बैंक या अदर एसएससी हो. पेयर अगर बैंक या अदर एसएससी हो, टीडीएस तब डिडक्ट करना होता है जब इंटरेस्ट एक्सीड हो जाता है 40,000 से. सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से. पुरानी लिमिट थी 10,000, नई लिमिट हो गई है 40,000 फॉर May 20 एंड November 20 अटेम्प्ट. बाकी सब कुछ सेम, बाकी पूरा सेक्शन सेम. याद होगा तो ये सेक्शन वो था जहां पे बैंक ने कोर बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट किया है. तो ये जो लिमिट है 10,000 की, अब 40,000 की, ये ओवरऑल ब्रांच को मिला करके है. और अगर CBS अडॉप्ट नहीं किया है तो ये ईच ब्रांच के लिए है. तो ये जो 10,000-40,000 है ये डिपेंड करता है अगेन CBS के ऊपर, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. बस इतना ही अमेंडमेंट था, सेक्शन ओवर. गॉट दिस और नॉट? इस पे क्या पूछा जाएगा? प्रैक्टिकल केस भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है. सो प्रैक्टिकल केस भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, आपने बिल्कुल ध्यान रखना. ठीक है ब्रदर? पहला सेक्शन सबको समझ में आया? स्पीड रीड कीजिए. एक ही चेंज है, वेयर एग्रीगेट इंटरेस्ट पेड डज नॉट एक्सीड. पहले था 10,000, अब कितना हो गया? 40,000. सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 एज इट इज रखा गया है, राइट? वेयर इट इज डन बाय बैंक, पोस्ट ऑफिस, और इधर एक और ऐड कर दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी. इन अदर केसेस आज भी लिमिट 5,000 ही है. तो जो बदला है वो 10,000 की जगह 40,000 हो गया है. बस ये एक अमेंडमेंट हुआ है. जब भी रीड करोगे अमेंडमेंट सहित ही रीड करना है. समझ में आई बात? ये नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं. टेलीग्राम पे जाएं, टेलीग्राम पे निकाल लें. टेलीग्राम पे कई शॉर्टकट्स डाल के रखता हूं. और मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो पब्लिक ग्रुप नहीं है, जिसके अंदर में पोल हो, ये हो, वो हो. ये टोटली रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है जहां मैं ही इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं या मेरी टीम शेयर करती है. समझ में आई बात? दूसरा अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट. वन नाइन्टी फोर डी ए पे आए. काम का अमेंडमेंट, बड़ा अमेंडमेंट. काम का अमेंडमेंट, बड़ा अमेंडमेंट. अरे अरे, सेक्शन 194DA. लाइफ इंश्योरेंस रीपेमेंट. अच्छा जी, ध्यान से सुनिए. अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी पॉलिसी होल्डर को पे करती है, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी पॉलिसी होल्डर को पे करती है, क्या पे कर रही है? मैच्योरिटी ऑफ LIP इफ नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d), तो इसके ऊपर TDS लगता था एट द रेट ऑफ 1%. ये तो जरूर याद होगा. अगर हमने किया है, इसमें अमेंडमेंट है. अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी ऑफ LIP पे पॉलिसी होल्डर को कुछ अमाउंट देती है और ये 10(10)(d) में एग्जम्प्ट अगर नहीं है, तो इस पर TDS लगता था 1%. लेकिन इसके आगे की बात मजेदार है. 1% किसका लगता था? ऑफ होल अमाउंट. 1% किसका लगता था? 1% लगता था ऑफ होल अमाउंट. वो बदल गया.
वो बदल गया। अब उनने कह दिया टीडीएस लगेगा 5% से ऑफ नेट इनकम, पहले था 1% ऑफ होल अमाउंट, अब कर दिया 5% ऑफ नेट इनकम। अब आप ये पूछेंगे ये नेट इनकम मतलब क्या है? सर नेट इनकम मतलब है अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। किसी भी पॉलिसी होल्डर ने जितना इन्वेस्ट किया था, अमाउंट रिसीव्ड जो LIC से मिला है माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड पे जो नेट अमाउंट होगा उस पे 5% का TDS इंश्योरेंस कंपनी करेगी। कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। अमेंडमेंट समझा? फिर एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस कंपनी जब भी पॉलिसी होल्डर को मेचोरिटी ऑफ LIP पे करे, अगर ये 1010D से एक्सीड नहीं हो रहा होगा, अगर ये 1010D में एग्जम्प्ट नहीं होगा तो इन पे TDS होता था। कितना होता था? 1% होता था ऑन होल अमाउंट। अब ये बदल गया, उनने बोला 5% ऑन नेट इनकम। नेट इनकम मतलब क्या? जो अमाउंट उसको रिसीव्ड हुई है माइनस जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है, नेट अमाउंट पे 5% का TDS करेगी। कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। गेटिंग इट और नॉट? अमेंडमेंट पढ़े मेरे साथ, 194DA। लेकिन ये कब से एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1/9/2019। ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। सर उससे पहले किया तो 1%, उससे बाद किया तो 5%। TDS जरूर होगा, बस परसेंटेज का डिफरेंस होगा। वर्ड पढ़िए, एनी सम इंक्लूडिंग बोनस रिसीव्ड अंडर LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIP नॉट सी LIP विच इज नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D विच इज नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D इज टैक्सेबल एंड कॉन्सिक्वेंटली सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ TDS एज पर 194D। द डिडक्शन वॉज डन एट द रेट ऑफ 1% ऑन दी अमाउंट पेएबल टू पॉलिसी होल्डर। दिस पोज द प्रॉब्लम सिंस द टैक्सेबल इनकम वॉज अमाउंट रिसीव्ड अंडर द पॉलिसी। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था क्योंकि टैक्सेबल असेसी को उतना ही है जो उसने नेट इनकम रिसीव करी है, नॉट द होल अमाउंट। मुझे मेरे अमाउंट पे भी तुम TDS काट के दोगे, लॉजिकल थोड़ी ने। पोस्ट अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 19 विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 September 2019 TDS shall be deducted as follows. TDS shall be earlier deducted at 1% of total sum for the purpose of TDS deductible on or after 1/4/19. TDS is to be deducted at the rate of 5% of the income, that is sum received minus premium paid, that is sum invest in amount received minus amount invested. Got this point or not? Done sir. आता कैसा वाटते हैं? बहुत जबरदस्त लग रहा है? आ जाओ आगे। 194I, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट, मैक्सिमम आप सभी ने कर लिया होगा। अगर किसी भी पेयर ने, दैट इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, बोलो बेटा कैसा? स्पेसिफाइड पर्सन ने रेंट पे किया है किसी भी रेसिडेंट को, इसके ऊपर अर्लियर TDS लगता था, अगर ये अमाउंट एक्सीड कर जाती थी 1,80,000, इसे कट किया गया और 2,40,000 किया गया। मैक्सिमम आप सभी लोगों ने अमेंडमेंट पढ़ लिया होगा, बट दिस इज अमेंडमेंट। पहले ये 180 हुआ करता था, अब ये 240 है। तो TDS जो कटेगा भी, TDS जो आपका कटेगा भी, वो 2,40,000 पे कटेगा एंड नॉट 1,80,000।
Is that done? से हाँ और हाँ. वापस पूरे सेक्शन आपको एज इट इज लिख करके दिया है. बस एक ही चीज है, नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड. पहले ये 180 हुआ करता था, अब ये 240 हो चुका है. बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम. हाँ यहां आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे. थक गए बेटा, यू नीड अ ब्रेक. मैं ब्रेक की बात कर रहा हूँ. डू यू नीड अ ब्रेक? नहीं नहीं, खत्म तो वैसे भी नहीं हुआ है, खत्म तो वैसे भी नहीं हुआ. चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन मस्त एक एक ये सेक्शन करते फिर भले ही ब्रेक लेते. आ जाओ ठीक है, चलो डन. ओके सो टीडीएस 194 आईए. प्लीज मुझे गाली मत मारे, मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए हूँ. ठीक है, अब तुम बोलोगे मैं अमेंडमेंट नहीं पढ़ा था भाई. अल्टीमेटली बाद में गाली मारोगे, उससे अच्छा भी मार लो. पर बेटा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इनमें से कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पेनड्राइव वालों से. पुणे में तो खैर मैक्सिमम लोगों को पता है, इसके लिए ठीक है. उनको माइंड भी तब तक के मेरे बारे में पता नहीं होता, और अब वो अमेंडमेंट देखते. कई बार तो उनको अमेंडमेंट में सेक्शन समझ में आते. अच्छा ये सेक्शन ही ऐसा था. कई बार ऐसा होता है, क्योंकि कल जब रिजल्ट आया और मुझे कई लोगों ने ये चीज बताई कि सर हमको आधी चीजें तो मैराथन में समझी या आधी चीजें तो फास्ट ट्रैक में समझी, तो थोड़ा अजीब लगता है कि लोग पहले ये डिसीजंस क्यों नहीं लेते. मैं ये नहीं कहता कि कोई टीचर अच्छा है या बुरा है. ऑलमोस्ट हर जो टीचर है वो अपनी मेहनत कर रहा है, सबके अलग अलग लेवल है और इंटरप्रिटेशन माइंड भी सबके अलग हो सकते हैं. बट आई थिंक कि ये चीज थोड़ी सोची समझी होनी चाहिए. आई थिंक अब आप सामने पास ऑन जो करोगे वो थोड़ा लॉजिकल करोगे. नाउ द पॉइंट इज 194 आईए. व्हाट इज 194 आईए? अच्छा, मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चार्ट है जो कल आ जाएंगे, कल आप लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चार्ट ले लीजिएगा. मैंने 8 पेजेस के अंदर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डाल दिया है पूरा. अगेन सेकेंड ग्रुप के भी फास्ट ट्रैक आ रहे हैं. लास्ट सेक्शन देख लीजिए 194 आईए. अच्छा जी, ये क्या था? ये ऑल टुगेदर एक नया सेक्शन था जो इंक्लूड किया गया था. अगर मान लीजिए 194 आईए थोड़ा डीप डाउन सेक्शन है, जरा ध्यान से सुनिए, 194 आईए थोड़ा डीप डाउन सेक्शन है. देखिए 194 आईए क्या कहता था? रेंट ऑफ प्रॉपर्टी. हालांकि 194 आईए भी रेंट ऑफ प्रॉपर्टी का है, लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है. और वो फर्क ये है, 194 आईए तभी अप्लाई करता था व्हेन द पेमेंट इज इन द रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. लेकिन 194 आईए में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, जिसका मतलब यह है अगर आपका पर्सनल रेंट भी इस लिमिट के ऊपर जाता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. बहुत बड़ा फर्क, वापस से सुने, 194 आई में टीडीएस तभी डिडक्ट होता है व्हेन द पेमेंट इज रिक्वायर्ड इन द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए होना चाहिए. इन शॉर्ट, अगर रेंट जो आपने पे किया है ये पर्सनल रीजंस पे किया है तो 194 आई में टीडीएस नहीं लगता था. हालांकि टीडीएस ज्यादा लोगों पे अप्लाई करने के लिए एक और चीज की गई है. 194 आईए लाया, बोला अगर आपका रेंट एनुअली एक लिमिट के ऊपर जा रहा होगा फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन यहां पे उन्होंने पर्सनल वर्ड यूज, यहां पे उन्होंने बिजनेस कमर्शियल वर्ड यूज नहीं किया. मतलब पर्सनल पेमेंट भी 194 आईए के अंदर में कवर हो गए. पेमेंट फॉर कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक मिनट, टोटली गलत. वेट, मैं दूसरे सेक्शन का इसमें मिक्स कर दिया. आई स्टैंड करेक्टेड. 194 आईए, व्हाट इज 194 आईए? ईमानदारी से एक्विजिशन. आई स्टैंड करेक्टेड. 194 आईए क्या था? ईमानदारी से एक्विजिशन, जो कहता था अगर 50 लाख से ऊपर जा रहा होगा कंसिडरेशन किसी भी प्रॉपर्टी का तो आपको 1% का टीडीएस करना था. याद आ रहा है तुमको? अब हुआ ये कि लोग क्या करते थे, इसमें थोड़ी सी गफलत करते थे. वो क्या करते थे, प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन 40 लाख ही दिखाते थे, जबकि एक्चुअल सपोज 70 लाख का था. तो लोग क्या करना चालू कर दिया इस टीडीएस के कारण,
40 लाख की कंसिडरेशन दिखाते थे और बचे हुए 30 लाख बोल देते थे मेंबरशिप फीस, पार्किंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर चार्जेस, और इस तरीके से 70 लाख कलेक्ट करते थे। जब एओ उनसे पूछता था कि डील तो 70 लाख में हुई है, आपने टीडीएस डिडक्ट क्यों नहीं किया, एसएससी कहता था आपने बोला था सर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन पे होना चाहिए। आप डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में कहीं पे भी आपने पार्किंग चार्जेस एंड ऑल इंक्लूड करने नहीं बोला था। तो लोग क्या करते थे, इस तरीके से अपना टीडीएस डिडक्शन बचा लेते थे। सरकार को समझ में आ गया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने सेक्शन में अमेंड कर दिया, क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन का डेफिनेशन। इनने कहा अब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप 50 लाख का वैल्यू कंसिडर करते रहेंगे, इसमें क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, ऐसे कोई भी चार्जेस इन एनी अदर फॉर्म, ये सब 50 लाख के अंदर इंक्लूड होंगे, और इन सब को मिला के अगर 50 लाख के ऊपर जा रहा होगा तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 1% से। सो चेक कीजिएगा, पेमेंट फॉर कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बींग लैंड अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड इज कवर्ड अंडर 194IA, कंपल्सरी एक्विजिशन इज कवर्ड अंडर 194LA एंड नॉट IA। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द स्पेसिफाइड अग्रीमेंट 45(5A) is covered under 194IC and not covered under 194IA। यहाँ पे प्रॉपर सेल कवर है, कंपल्सरी एक्विजिशन या फिर जो जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाले हैं वो इस सेक्शन में कवर होते नहीं। अमेंडमेंट हैज कम अंडर 194IA टू इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ चार्जेस इन द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेंटेनेंस, एडवांस फीस, एनी अदर सम ऑफ सिमिलर नेचर। सो जो नया सेक्शन आया सेक्शन 194IA, ये कहता है कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पे सेल का मतलब है ट्रांसफर, आप ट्रांसफर लिखे ज्यादा बेटर है, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ एक्सीड 50 लाख टीडीएस अडर 1% इज एप्लीकेबल। कंसिडरेशन इंक्लूड सेल वैल्यू प्लस मेंबरशिप चार्ज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, मेंटेनेंस, एनी सम ऑफ सिमिलर नेचर। Is that done? So you have a fantastic break. See you after the break. Yes, welcome after break. Let's start again. आप लोगों को पता है कि हमको और भी सारे amendments complete करने हैं। I know ये amendments जो है ये बहुत सारे हैं और इसी के लिए ये lecture इतना broad भी है कहीं ना कहीं। Yes or no? हम लोग TDS के ऊपर already थे। TDS के ऊपर के अब तक हमने जो sections देखे हैं वो है 194A। इसके बाद हम लोगों ने देखा है 194DA, तीसरा सेक्शन हम लोगों ने देखा है 194I, चौथा सेक्शन हमने देखा है 194IA, हम पांचवा सेक्शन देखने जा रहे हैं 194M, न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है। वापस एक बात सुनिएगा साहब, न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है इस चीज का, राइट। 194M क्या है सर इस सेक्शन के अंदर में, ध्यान से सुनिए सर।
जनरली मैं आपको तीन सेक्शन के बारे में सबसे पहले बताऊं तो ये सेक्शन इजीली समझ में आएगा। याद होगा आपको तो 194C, C फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टीडीएस था जिसमें 2% या 1% का टीडीएस लगा करता था। सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर या एग्रीगेट पेमेंट 1,00,000 से ऊपर होगा तो आपको ये टीडीएस कटता था, बोलो हाँ, ठीक है। दूसरा था 194H, हाँ मैं कमीशन या ब्रोकरेज लेता हूं, राइट। अगर कमीशन या ब्रोकरेज 15,000 से एक्सीड करता था तो 5% का टीडीएस लगा करता था। 194J, जबरदस्त प्रोफेशनल या डायरेक्टर सिटिंग फीस, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर पे टीडीएस लगता था, बोलो हाँ या हाँ। लेकिन इन तीनों में एक कॉमन बात थी, क्या आपको पता है, इन तीनों में एक कॉमन बात थी, और ये तीनों में एक कॉमन बात ये थी कि ये किस पर्पस के लिए होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। यानी एक बात इन तीनों में कॉमन थी कि ये जो पेमेंट होने चाहिए, दिस शुड बी इन द नेचर ऑफ अ बिजनेस पेमेंट, दिस शुड बी इन द नेचर ऑफ अ बिजनेस पेमेंट, राइट। अब हो क्या रहा था कि कई पेमेंट बिजनेस पेमेंट्स नहीं थे, पर्सनल पेमेंट्स थे, वो पर्सनल पेमेंट्स इन सेक्शन के अंदर में कवर नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन ऐसी चीजें कई बार जब असेसमेंट करते थे तो डिपार्टमेंट को पता चलता था कि ये चीजें ब्लैक मनी था जो पर्सनल चीजों के लिए यूज हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास ब्लैक मनी है, वो क्या करता था, कोई फंक्शन कर या कोई पर्सनल सर्विसेज उसमें अंदर में ज्यादा इन्वेस्ट कर देता था, यस ऑर नो, या कोई अदर प्रोफेशनल सर्विसेज ले लेता था। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता था कि आप भले ही पर्सनल पर्पस के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं, पर ये तो समझ में आए कि खर्चा कितना हो रहा है। आदमी ड्रॉइंग कुछ और दिखाता था, ब्लैक मनी यूज करके कुछ और एक्सपेंसेस करता था। इस बात को ट्रैक रखने के लिए उन्होंने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी टीडीएस लाने का सोच लिया। मतलब अगर ये आपके बिजनेस पेमेंट्स है 194C के नेचर के, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज फॉर पर्सनल पेमेंट्स या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ पर्सनल नेचर, इन सभी के लिए भी एक टीडीएस लाने का सोच लिया। अगर बिजनेस पेमेंट्स है 194C, 194H, 194J, लेकिन अदर देन बिजनेस पेमेंट्स भी है तो भी टीडीएस के अंदर में कवरेज लाई गई, और ये लाई गई 194M के हिसाब से। किसके हिसाब से लाई गई, 194M। सेक्शन किसके ऊपर आया, सेक्शन आया इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। सेक्शन किसके ऊपर आया, इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। पहले ध्यान से सुने, एक कॉमन पॉइंट था इन तीनों के बीच में, वो था बिजनेस पर्पस। मैं दूसरा कॉमन पॉइंट भी आपको याद दिला दूं, इन तीनों सेक्शंस के अंदर में टीडीएस तब डिडक्ट करना होता था व्हेन असेसी इज लायबल टू टैक्स ऑडिट। याद आ रहा है, दैट इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ मस्ट बी लायबल टू टैक्स ऑडिट एंड एक्सीड द लिमिट, वाइल अदर असेसी जस्ट दे एक्सीड द लिमिट, वो इस प्रोविजन को फुलफिल कर लेते थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। नए सेक्शन 194M के अंदर ये टैक्स ऑडिट का कंडीशन भी नहीं है। मतलब अगर एसएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अगर एसएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, पेमेंट करता है इन नेचर्स के, लिमिट से ऊपर जाता है तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। हालांकि यहां पे सिर्फ बिजनेस पेमेंट्स कवर नहीं है। एक तीसरा कॉमन फैक्टर आपको याद दिलाता हूं, तीसरा कॉमन फैक्टर था, अगर किसी भी व्यक्ति को टीडीएस डिडक्ट करना है तो उसको 10 नंबर लेने की जरूरत होती थी। क्या तुम्हें याद है, उसे 10 नंबर लेने की जरूरत होती थी सेक्शन 203A के अंदर में, 203A के अंदर। जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो पैन नंबर देगा, जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है वो 10 नंबर लेगा, याद आ रहा है। लेकिन इस सेक्शन से उसकी भी रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। मतलब इस सेक्शन में टीडीएस कट करने के लिए अब आपको 10 नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पर्सनल पेमेंट्स के ऊपर आप जब टीडीएस करते हैं, मेनी पीपल डू नॉट हैव 10। बिजनेस पेमेंट्स रहता 10 होता, लॉजिकल है, पर्सनल पेमेंट्स के लिए 10 का रिक्वायरमेंट था ही नहीं, और सिंस हम पर्सनल पेमेंट्स पे भी टीडीएस कलेक्ट कर रहे हैं इसीलिए 10 के रिक्वायरमेंट से इसे हटाया गया। हेंस सेक्शन 203 में भी एक लॉजिकल अमेंडमेंट हुआ होगा, 10 विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट अंडर सेक्शन 194M। कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट था, लॉजिकल। तो तीन बातें हुई, तीन बातें ध्यान से सुनिए, 194C, 194H, 194J, 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194H ब्रोकरेज कमीशन, 194J प्रोफेशनल रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इनमें तीन चीजें थी, ये सिर्फ बिजनेस पेमेंट्स के लिए था, टैक्स ऑडिट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ करवाते थे इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर तो ही था, और आपको 10 नंबर लेने की जरूरत होती थी। जो नया सेक्शन आया इसने तीनों को एक्सेप्शन कर दिया। अब आपका बिजनेस पेमेंट हो या ना हो, आप टैक्स ऑडिट के अंदर कवर ना भी हो तो भी, और आपने 10 नंबर नहीं भी लिया तो भी आपको इस सेक्शन के अंदर में टीडीएस करना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, मुझे पर्सनली लगता है कि ये एग्जाम में कंफर्म आएगा मई और 20 में, ठीक है। मैंने अभी तक आपको टीडीएस के बहुत सारे अमेंडमेंट बताए, 194A कंफर्म आएगा, 194
आई ए कन्फर्म मुझे लगता है आएगा और 194M मुझे लगता है कन्फर्म आएगा, क्योंकि ये एकदम यू नो लॉजिकल पॉइंट है और डेली बेसिस पे यूज होने वाले सेक्शन है। जो सेक्शन डेली बेसिस पे यूज होने वाले सेक्शन होते हैं उनका एग्जाम में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है। सो सेक्शन क्या आया मैं आपको यहां पे वही अपने तरीके से समझा देता हूं। सबसे पहली बात, अगर हम बात कर रहे हैं, हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? सर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 194M की। बोलो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? 194M की। अगर हम 194M की बात कर रहे हैं, ये सेक्शन कब से आया है? ये सेक्शन आया है सर 1 सितंबर 2019 से। ये सेक्शन आया है 1 सितंबर 2019। एज आई सेड यहां पे बहुत सारी डेट है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। असेसी कौन होना चाहिए? सर अगर मैं असेसी की बात करूं तो वो होना चाहिए इंडिविजुअल एंड HUF। कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल एंड HUF। इस सेक्शन में कवर्ड इन ऑडिट और नॉट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब वो ऑडिट में कवर हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। अगर वो पेमेंट करता है फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग पर्सनल इन नेचर, इंक्लूडिंग पर्सनल इन नेचर, इफ एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड, इफ एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड 50 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर। देखिए लिमिट बहुत बड़ी रखी गई है, ऐसा भी नहीं कि हर व्यक्ति को परेशान किया गया। जो 50 lakh से ऊपर का पेमेंट कर रहा है सिर्फ उसी को रखा गया। TDS एट द रेट ऑफ 5% एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सो वापस से, अगर कोई इंडिविजुअल HUF है, वेदर कवर्ड इन टैक्स ऑडिट और नॉट। दूसरा, पेमेंट कर रहा है किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हम जरूर देखेंगे क्योंकि उनने यहां पे वो स्पेसिफाई करके दिया है, राइट। अगर उसका एग्रीगेट पेमेंट, पहली हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट की, मतलब साल भर का पेमेंट, एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड करना चाहिए 50 lakh से एक्सीड, मतलब डॉट 50 lakh पे भी TDS नहीं है, 50 lakh से एक्सीड करना है। कब? इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो TDS कटेगा 5% के हिसाब से। अच्छा बताओ, क्या इसके लिए कोई टैन नंबर की जरूरत है? नहीं, नो टैन नंबर शैल बी रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 203A। नो टैन नंबर शैल बी रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 203A। Is that done? So, अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूं, मान लो अगर पेमेंट पर्सनल नेचर का है, बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है? 194C अप्लाई करेगा? नहीं। क्या अप्लाई करेगा? 194M अप्लाई कर देगा। क्या अप्लाई करेगा बोलो? 194M अप्लाई कर देगा। रीड विथ मी, सारी चीजें समझ में आएगी। This is a newly inserted section which has been introduced to get TDS in certain cases which were not getting covered, which were not getting covered under 194C, H and J. Tino section iske andar mein cover ho gaye. 194M provides for this section get attracted from 1st September 2019 onward if all of the following condition is satisfied. Please highlight this word, all of the following conditions are satisfied. Kaisa bola beta unne? All of the following conditions are satisfied. Point number one, payment is made to carry out any work including supply of labor for carrying out any work in pursuance to contract. पहला उन्होंने कहा किसी भी तरीके का works contract इसके अंदर में cover है. For example, मान लीजिए मैंने मेरी business building बना रहा हूं, मैंने interior service ली, TDS कौन से section में जाएगा? 194C.
बिकॉज इट्स अ बिजनेस बिल्डिंग. यही मैं मेरे घर के लिए इंटीरियर ले रहा हूं 194 M, अगर 50 लाख से ऊपर का पेमेंट एग्रीगेट में जा रहा होगा तो. दूसरा, इन द नेचर ऑफ कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज. मान लीजिए कमीशन या ब्रोकरेज अगर आप दे रहे हैं और वो भी 50 लाख से ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कमीशन दिया किस चीज के लिए, मान लीजिए हमारे सारे जितने भी नए फैकल्टी आ रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, इनकी शादी करवाने के लिए एक ब्रोकर पकड़ा और ब्रोकरेज पे किया हम लोगों ने, राइट, कुछ कमीशन पे किया हम लोगों ने. क्या इन सभी के लिए आप बताइए क्या टीडीएस 194M में जा सकता है अगर 50 लाख से ऊपर जा रहा होगा तो? यस. फिर आप देखिए, कई बार हम लोग को प्रॉपर्टी या प्लॉट सर्च करवाने के लिए हम लोग कमीशन देते हैं, राइट. अब ये प्रॉपर्टी या प्लॉट मेरे पर्सनल पर्पस के लिए है, लॉजिकली क्या टीडीएस कटना चाहिए? यस, अगर एग्रीगेट 50 लाख से ऊपर है. ऐसे बड़े पेमेंट्स हो क्या रहा था कि ये टीडीएस से बाहर चल जा रहे थे, और सिंस ये टीडीएस नहीं कटता था तो लोग अपना ब्लैक मनी भी खपा देते थे. देने वाले का ब्लैक मनी खप गया, लेने वाला ब्लैक मनी कैसे भी खपा, इससे अपने को कोई लेन देन नहीं है. इन चीजों को कर्ब करने के लिए ये लाया गया. तीसरा, इन द नेचर ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज. मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डॉक्टर का पेमेंट किया विच इज इन द नेचर ऑफ डॉक्टर को पेमेंट किया विच इज इन द नेचर ऑफ लेट्स से पर्सनल सर्विसेज, राइट. क्या ये कवर है? यस, इस सेक्शन के अंदर में कवर कर लिया. तो इस सेक्शन के अंदर में तीन सेक्शन की कमी पूरी हो रही है, 194C, 194H, 194J. पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल और HUF. पेमेंट किसने करना है? इंडिविजुअल एंड HUF. किसको करना है? रेसिडेंट को. यही पेमेंट अगर नॉन रेसिडेंट को हुआ तो TDS अंडर सेक्शन 195. याद आ रहा है क्या? कोई भी पेमेंट अगर हम लोगों ने किसको किया? नॉन रेसिडेंट को किया. जो पेमेंट किसको करना चाहिए था? रेसिडेंट को. तो TDS 195 के अंदर चल जाएगा. इफ सच पेमेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिडक्शन अंडर 194CH and J, पेमेंट बीइंग मेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस और इन केस सेक्शन 194C, पेयर इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट नॉट एक्सीडिंग द मॉनेटरी लिमिट. मान लीजिए 194C में मॉनेटरी लिमिट के ऊपर नहीं जा रहा, इफ एनी, या फिर 194C के अंदर में वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है. ऐसे सारे केसेस जहां पे 194C H and J नहीं लगा और एग्रीगेट पेमेंट 50 लाख के ऊपर चला गया, 194M लग जाएगा. द एग्रीगेट पेमेंट, वर्ड लिखा है एग्रीगेट, पेड और क्रेडिटेड इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 50 लाख. वर्ड देख लीजिए क्या लिखा है, इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर 50 लाख. TDS हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. TDS हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5%. सेक्शन 203 शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर 194M. Hence, person can deduct the tax even without obtaining a TAN. समझ में आई बात? चलिए सर, उसके नीचे उसका consequential amendment दिया है, that is just for the purpose of knowledge and not so important. Amendment समझ में आ गया बेटा सबको 194M का? आगे बढ़ते हैं. Next चलते हैं 194N. Confirm आना है. वापस से कहता हूं, मैं आपसे बिल्कुल वापस से कहना चाहता हूं, अभी ही कह दे रहा हूं, May 20 और November 20 दोनों केसेस में टैक्स का पेपर लेंदी होगा. मैं अभी से डिक्लेयर कर रहा हूं, May 20, November 20, आई डोंट नो अबाउट GST, उसके बारे में विशाल भट्टर सर आपको बेहतर बता सकते हैं. DT का पेपर लेंदी ही होगा, ब्रॉड ही होगा, कंसेप्ट बेस्ड ही होगा. बाद में आके बिल्कुल मत चिल्लाना. आप खुद देख सकते हैं अमेंडमेंट कितने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अमेंडमेंट है. ये प्रैक्टिकल लाइफ में लगने वाले सारे सेक्शंस है. समझ में आई बात? और इसीलिए आपकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है, आपके जितने दोस्त हैं उन सबको आप बोले बेटा अमेंडमेंट देखे बगैर जाना नहीं. 194N अगेन नया सेक्शन. सेक्शन के पीछे का हिस्ट्री सुनो. सबसे पहले हुआ ये कि आपको पता है जो सरकार है मोदी सरकार, ये सारे अमेंडमेंट एक ही तरफ रुक करती है कि इन्हें अमीरों से लेना है और गरीबों को देना है. पहला सवाल ये उठता था, पता कैसे चले कि कोई अमीर है? कई बार लोग अमीर होते भी है पर गरीबों जैसा दिखावा करते हैं, बराबर है? तो ऐसे कई लोग होते हैं. नाउ द पॉइंट अराइजेज इज कि सर मान लो कैसे पता करे कोई अमीर है? एक तरीका ढूंढना उनने.
भैया पहले तो ये ढूंढो कि विड्रॉल कितना है, बराबर है। वैसे तो एक लिमिट के ऊपर अगर विड्रॉल करते हैं तो बैंक के ऊपर एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जिसके तहत बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताती है इस आदमी ने इतना विड्रॉ या इतना डिपॉजिट किया। लेकिन अब क्या कहा गया है डिपार्टमेंट द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति विड्रॉ करता है एक लिमिट के ऊपर, लिमिट भी बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति विड्रॉ करता है, विड्रॉ अपना ही पैसा विड्रॉ करता है, इस पे भी टीडीएस लगाओ। अपना ही पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको क्या लगेगा? टीडीएस लगेगा। हालांकि इंडस्ट्री में इस सेक्शन को लेकर के काफी आक्रोश भी है कि मैं मेरा ही पैसा जब विड्रॉ कर रहा हूं तो इस पर टीडीएस क्यों? डिपार्टमेंट बोलता है आप सच्चे व्यक्ति हो, वो कहता है हां, आप अच्छे व्यक्ति हो, हां, इनकम टैक्स में डिस्क्लोजर दिया है, हां, तो टैक्स से डर क्यों रहे हो? टीडीएस भरो, जो टैक्स आएगा, पेबल आया तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं पेबल आया रिफंड मिल जाएगा। और वैसे भी हम रिफंड कौन सा लंबा रोक रहे, द मोमेंट रिफंड आया आपको आप तो इमीडिएट प्रोसेस के अंदर दे रहे, डर क्यों रहे हो जब कुछ गलत किया ही नहीं? ये सुनो, डर क्यों रहे हो भैया जब कुछ गलत किया ही नहीं? कुछ गलत किया हो तो बोलो, और नहीं किया हो तो डरना क्यों? ये सुनो, अगर तुम इंडियन हो और सच में लगता है तुमको तुम इंडियन हो, तो तुमको सीए और एनआरसी से प्रॉब्लम क्या है? नो, मराठी में एक इसके लिए बहुत अच्छी कहावत है, बाप दाखाओ नहीं तो श्राद्ध कर। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, तुमको लगता है ना तुम इंडियन, फिर घबराने की क्या बात है, मैटर ओवर। उसी तरीके से टीडीएस का लॉ भी कहता है, अगर तुमको लगता है ना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, टीडीएस कटने दो, तुमको ही, तुम्हारा ही टैक्स है, तुम्हें ही क्रेडिट मिलेगा। और लॉजिकल बात भी है, अच्छा ठीक है, तुम कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, होने क्या वाला है, तो फिर ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हो? सो अमेंडमेंट, बड़ा ही खूंखार अमेंडमेंट, कैश विड्रॉल। अच्छा एक मिनट, एक बात सुनिए, पहली बात मैं आपको इस सेक्शन का थोड़ा सा इंसाइट देना चाहता हूं। इंसाइट ये है कि हम बात कर रहे हैं कैश विड्रॉल की, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर की नहीं। दो बातें बहुत अच्छे से सुनिए, कैश विड्रॉल मतलब आप ओवर द काउंटर जा रहे हो, कैश निकाल के लेके आ रहे हो, समझ में आई बात? आपने किसी को चेक दे दिया, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आपने आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस कर दिया, कुछ नहीं होने वाला। आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, कुछ नहीं होने वाला। आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, भैया विड्रॉल वो भी 1 करोड़, क्यों चाहिए इतना कैश, ये भी तो समझाओ, इतना कैश चाहिए क्यों? जबकि हर पेमेंट को हम कह रहे हैं 10,000 से ऊपर जाओगे तो तुम्हें अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट, एक और वर्ड तुम्हारे लिए जोड़ दिया, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिर भी तुम्हें 1 करोड़ कैश चाहिए, दया, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर पता लगाओ ये कैश इसे चाहिए क्यों है, और ये पता कैसे लगेगा? टीडीएस लगाओ। तो क्या होता है, सीआईडी होता है तो दया होता है, इनकम टैक्स होता है तो टीडीएस होता है। कुछ भी चीज का पता लगाना है, टीडीएस का एक प्रोविजन इंसर्ट कर दो, सारे पेयर और पे के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। आ जा मेरे भाई, सो सेक्शन क्या कह रहा है, देखिए, इट्स अ न्यूली इंसर्टेड, आहा पहले से नहीं था, न्यूली इंसर्टेड, विच हैज बीन इंट्रोड्यूस टू डिस्करेज कैश ट्रांजैक्शन बाय लेविंग अ टीडीएस ऑन सर्टेन कैश पेमेंट बाय सर्टेन पर्सन। लेकिन देखिए, ये टीडीएस लगाने का एक ऑब्जेक्टिव था कैश रोकना, लेकिन कुछ लोगों को एक्सेप्शन देना पड़ेगा, वो एक्सेप्शन भी है, आगे देखते हैं। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर 2019, कहां से है बोलो? 1 सितंबर 2019, बड़ी ही नाजुक डेट है। सेक्शन 194N कब से आ रहा है? 1 सितंबर 2019। आप खुद सोच के देखिए साहब, कितनी डेट आपके लिए काम की हो गई, मतलब एग्जाम में हर बार ध्यान रखना पड़ेगा कि पेमेंट का डेट क्या है, क्योंकि इसके पहले ऐसा सेक्शन कुछ नहीं था। तो देखो, अब आपको दो तरह से एमसीक्यू दिए जा सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, मिस्टर दिस विड्रॉ 1 करोड़ रुपीज ऑन दिस डेट, वेदर टीडीएस विल बी एप्लीकेबल? नो। आफ्टर दिस डेट, वेदर टीडीएस इज एप्लीकेबल? यस। पर एक प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, इनने डेट तो 1 सितंबर दे दी, मतलब सेक्शन 1 सितंबर से आएगा, लेकिन चालाकी देखो, वर्ड लिखा एग्रीगेट 1 करोड़,
मतलब समझे, चालाकी देख रहे हो डिपार्टमेंट की, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड वाली, ठीक है? क्या चालाकी की दिखाई? सेक्शन 1 सितंबर से आएगा, लेकिन जब हम 1 करोड़ की लिमिट काउंट करते रहेंगे, ये अप्रैल से ही काउंट होगी बाबू। मतलब मान लो 70 लाख 1 सितंबर से पहले विड्रॉ किए और 40 लाख 1 सितंबर के बाद विड्रॉ किए, टीडीएस कितने पे? पहला सवाल, टीडीएस कटेगा क्या? यस, ऑन द एग्रीगेट अमाउंट। टीडीएस कटेगा क्या? यस, ऑन एग्रीगेट अमाउंट। जहां 1 करोड़ के ऊपर गए, वो पूरे 1 रुपए से 1 करोड़ के ऊपर के पूरे अमाउंट के ऊपर आपको एग्रीगेट अमाउंट पे टीडीएस काट देंगे ये लोग। दर्द समझ रहे हो? कैश पेमेंट, आए हाय वर्ड देखिए साहब, कैश बोल रहे हैं वो, अकाउंट पे ही नहीं, अकाउंट ट्रांसफर नहीं, चेक के थ्रू पेमेंट नहीं, आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट नहीं, कैश पेमेंट इज बीइंग मेड फ्रॉम 1 अकाउंट और मोर अकाउंट मेंटेन्ड बाय द पेयर, एक या एक से ज्यादा अकाउंट उस व्यक्ति का एक ब्रांच में, ऑब्वियसली। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे समझदारी क्या है, मल्टीपल बैंक्स में आपके अकाउंट रखो। एक ही बैंक में अगर आपके मल्टीपल अकाउंट और मल्टीपल अकाउंट से भी विड्रॉल हुआ तो कंसिडरेबल है। सच पेमेंट एक्सीड 1 करोड़ इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वर्ड देख रहे क्या है, इन एग्रीगेट 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सच पेमेंट इज बीइंग मेड आइदर टू द फॉलोइंग पर्सन, सच पेमेंट इज मेड आइदर बाय द फॉलोइंग पर्सन, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस। देने वाला कौन होना? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस। द पेमेंट इज मेड टू एनी पर्सन अदर देन फॉलोइंग, यानी कुछ लोगों के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी व्यक्ति को दिया अदर देन गिवन बिलो। तो क्या, डायरेक्ट नीचे आओ, बाकी का बाद में देखते। तो क्या, इफ द सेक्शन गेट अट्रैक्टेड, टीडीएस इज एट द रेट ऑफ 2% रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, और इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 करोड़। टीडीएस कितने पे लगेगा? ऑन एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। सो अगर 1.1 करोड़ हो रहा है, 1.1 करोड़ हो रहा है, तो 0.10 करोड़ के ऊपर, दैट इज 10 लाख के ऊपर, आपको क्या लगेगा? टीडीएस लग जाएगा। इन जनरल द थ्रेशोल्ड मेंशन अंडर द टीडीएस इज अ कंडीशन दैट इज एक्सीडिंग द लिमिट मेक्स द होल अमाउंट सब्जेक्ट टू टीडीएस। हाउएवर द 1 करोड़ लिमिट अंडर 194N इज बोथ एन एग्जम्पशन एंड अ कंडीशन। Hence, if payment exceed 1 crore under this section, only that part which exceed 1 crore is subject to TDS. The TDS has to be deducted at the time of payment, not credit. आप समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए सामने वाले के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट के टाइम पे नहीं है भाई साहब, ये पेमेंट के टाइम पे है, मतलब कैश विड्रॉल। आइए सर, पेयर, पेयर कौन होना चाहिए? बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्टिंग एज अ बैंक, ठीक है? पेमेंट इन कैश अपॉन विड्रॉल टू एनी पर्सन other than specified exceeding 1 crore TDS at the rate of 2%। ये समझ में आया बेटा? अच्छा जी, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन दैट इज
इफ पेड टू फॉलोइंग पर्सन नो टीडीएस, पहला गवर्नमेंट, देखा गवर्नमेंट हर जगह अपने आप को जरा सा सेफ कर लेती है, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर विड्रॉ कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत बढ़िया, बैंक अगर विड्रॉ कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोऑपरेटिव बैंक अगर विड्रॉ कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि इनका काम है कैश के साथ खेलना। चौथा व्हाइट लेबल एटीएम, ये व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं, एटीएम्स में कैश रिफिल करना होता है तो वो लोग कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से और कैश रिफिल करते हैं, तो लॉजिकल है इनके लिए। बैंकिंग करस्पॉन्डेंस, बैंकिंग करस्पॉन्डेंस वाले अगर विड्रॉ करें तो लॉजिकल है। छठवा एनी अदर पर्सन सो स्पेसिफाइड, इसके अलावा एनी अदर पर्सन सो स्पेसिफाइड, आइए चेक कीजिए, पेमेंट इज मेड टू एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव और पोस्ट ऑफिस, मैं शायद यहां पे पोस्ट ऑफिस लिखना भूल गया हूं, और पोस्ट ऑफिस, इज दैट डन, चेक। बिजनेस करस्पॉन्डेंस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एंगेज इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग वेयर पेमेंट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन ऑफ RBI, सो बिजनेस करस्पॉन्डेंस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, व्हाइट लेबल ATM जो ऑपरेट कर रहे हैं, व्हाइट लेबल ATM ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय NBFC, सो आप व्हाइट लेबल ATM लिख दें किसी बैंक का या NBFC का तो भी चलेगा, सच अदर पर्सन सो स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ RBI। इतने लोगों को हटा दिया जाए तो काम खत्म, बाकी सबके कैश विड्रॉल जो 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है उस पर TDS आएगा। कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 198, द होल ऑफ सेक्शन 198 हैज बीन प्रोड्यूस बिलो विद द अमेंडमेंट हाईलाइटेड इफ एनी। ऑल सम डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजन अंडर दिस चैप्टर शेल फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एन SSE बी डीम्ड टू बी द इनकम रिसीव्ड। मतलब क्या, अगर इस तरीके से कोई पेमेंट किया हो गया तो मान लिया जाएगा कि सामने वाले ने इनकम रिसीव की है, प्रोवाइडेड दैट सम बींग टैक्स पेड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ SSE शेल नॉट डीम टू बी इनकम रिसीव्ड, प्रोवाइडेड फर्दर द सम डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194N फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग शेल नॉट बी डीम्ड टू बी इनकम रिसीव्ड। मान लीजिए ये क्या बोल रहा है, 194(8) के तहत कोई विड्रॉ होता है तो जनरली सेक्शन 194(8) पूरा समझिए बहुत इजीली, अगर किसी पेमेंट पे TDS डिडक्ट होता है तो जनरली रिसीवर के हाथ में ये इनकम मानी जाती है, लेकिन 194(N) में ऐसा हो सकता है कि आप अपना ही पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो हम इनकम मान सकते हैं क्या, नहीं। कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट 198 में भी किया और कहा कि जनरली जब भी कोई पेमेंट विड्रॉ होता है तो 198 सामने वाले के हाथ में जो पेमेंट होता है उसे वो इनकम मानता है, लेकिन 194N के तहत जो पेमेंट किया जा रहा है ये सामने वाले के हाथ में इनकम माना जाएगा नहीं। लॉजिकल अमेंडमेंट, क्योंकि हो सकता है ये उसके ऊपर टैक्स दे चुका हो, वापस से आप उसे इनकम मान लेंगे तो ये डबली टैक्स हो जाएगा। इज दैट डन, डन सर। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अमेंडमेंट इन सेक्शन 195, जल्दी ये खत्म होने वाला है, एक छोटा सा पार्ट है, देखिएगा।
Earlier, the procedure allowed the payer to deduct tax under 195 on lower amount was a manual one where the payer had to file an application. Finance Act 19 has made an amendment to section 195.27 to make the procedure electronic. Amended section has to be given below with the amendment highlighted as given in section 195 के अंदर में क्या किया गया है, ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं आपको इसका एकदम सिंपल प्लेन लैंग्वेज में मीनिंग समझाता हूँ। देखिए 195 में जब भी हम कोई TDS डिडक्ट करते थे तो ये एक मैनुअल प्रोसेस होता था, मतलब आपको मैनुअली ये फॉर्म भरना पड़ता था और मैनुअली इसका सबमिशन होता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। प्रोसीजरल चेंज किया गया है, अब 195 के भी जो TDS डिडक्शंस है ये इलेक्ट्रॉनिकली होंगे और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप इसके सबमिशंस कर पाएंगे। बस इतना सा प्रोसेस है, सीधे शब्दों में जो मैनुअल प्रोसेस था उसे उठा के कंप्यूटराइज प्रोसेस कर दिया गया है। दैट्स इट। वर्ड देखिएगा, अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच सम अदर देन सैलरी, द पेयर मे मेक एन एप्लीकेशन टू यू इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर फॉर डिटरमाइनिंग बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन द प्रिस्क्राइब मैनर और अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन। सीधा सिर्फ एक बार डाल दिया उन्होंने, अब जो व्यक्ति होगा ये क्या करेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब मैनर में सबमिट करेगा। प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब मैनर अब हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक, बाकी पूरा सेक्शन एज इट इज सेम। यहां पे भी सेम वही चीज हुई 2 एंड 7 के अंदर। 7 के अंदर में भी उनने एक ही चार्ज की, अब हम प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर में क्या करेंगे, 195 के डिटेल देंगे। तो पहले जो 195 मैनुअल प्रोसेस होता था अब वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। सो अगर हम 195.2 एंड 195.7 की बात करें, अर्लियर ये था मैनुअल एंड नाउ ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। तो प्रोसीजरल पार्ट में चेंज है, मुझे नहीं लगता ये पार्ट आपको पूछने भी वाले हैं, पर अमेंडमेंट है तो मेरी जिम्मेदारी थी इसे कंप्लीट करना, बाकी वो पूरा सेक्शन डिटेलिंग है। हाँ जी, समझिए, सेक्शन 239 में एक अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट अगेन प्रोसीजरल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता पूछ सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया जा सकता। सेक्शन 239 रिफंड की बात करता है, जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड आने वाला होता था, पहले आपको ओल्ड प्रोसेस समझाता हूं। अगर किसी व्यक्ति का रिफंड आने वाला होता था तो हमें एक रिफंड का फॉर्म भरना पड़ता था ऑफिस के अंदर में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता था एंड देन वो रिफंड दे देते। हालांकि खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया था, जब नए ITR लाए थे उसमें आपके बैंक डिटेल्स एंड IFSC कोड मंगाया था और जिन जिन लोगों का रिफंड आ रहा था उन लोगों को उनने डायरेक्ट ऑनलाइन रिफंड देने शुरू कर दिए थे। अब उन्होंने सेक्शन 239 को इस बात से डायरेक्टली अमेंड कर दिया और कह दिया अब जो रिफंड होगा उसके लिए आपको कोई सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, द मोमेंट आप रिटर्न भरे आपका रिफंड आ रहा होगा तो हम आपको उस ऑनलाइन रिफंड के बेसिस पे ही रिफंड दे देंगे, आपको सेपरेट फॉर्म ऑफ रिफंड भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लरिकल एंड प्रोसीजरल पार्ट अमेंड किया गया है, कहा पहले रिफंड के लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता था, अब आप सिर्फ ITR भर दो, आपका रिटर्न भर दो, जो भी रिफंड होगा हम वैसे भी आपके उसमें आपकी बैंक की डिटेल्स ले रहे हैं, हम आपको रिफंड ऑनलाइन दे देंगे, कोई सेपरेट फॉर्म नहीं लेंगे। सो व्हाट इज द अमेंडमेंट, 239 has been amended with effect from 1st September 2019 and the bare text of this amendment is as under, every claim for refund shall be made by furnishing return, no need to fill a separate form for refund. Exam point of view बिल्कुल important नहीं, clerical process है। तो ये और जो last मैंने पढ़ाया ये सिर्फ clerical part है, exam point of view बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल हटा दीजिए। इस तरीके से हमारा TDS का chapter भी खत्म होता है, TDS के amendment भी खत्म होते हैं। TDS का एक अमेंडमेंट मैं आपको याद दिला दूं, सेक्शन 201 का, असेसी विल नॉट बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ गए, हालांकि ये नोट्स में दिया हुआ है, ये देखिए यहां पे। कहां पे? नहीं, वो ऊपर ही दिया हुआ है, एक पार्ट बाकी है, एक मिनट वापस आइए, 206
अच्छा जी, आपको मैं ये जो सेक्शन है ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, मैं आपको टीडीएस का एक प्रोविजन याद दिलाना चाहता हूं, याद होगा तो 194 ए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, याद होगा तो बैंकिंग कंपनी पोस्ट ऑफिस के लिए इंटरेस्ट कितना था बेटा 10,000, सीनियर सिटीजन के लिए कितना था 50,000, अमेंडमेंट करके इस 10,000 को कितना किया था 40,000, ठीक है। सिंस यहां चेंज हुआ, जिसके चक्कर में सेक्शन 206 ए भी चेंज हुआ, जिसके वर्डिंग्स चेंज किए गए, हालांकि अगेन ये क्लरिकल प्रोसेस है जो चेंज हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली मुझे नहीं लगता ये पूछ सकते हैं, स्टिल अमेंडमेंट है तो हम पढ़ लेते हैं स्पीड में। स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट टू रेसिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, मान लीजिए आपने कभी किसी रेसिडेंट को कोई इंटरेस्ट पेमेंट किया और इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो इस पर सेक्शन 206 ए का कंप्लायंस लगता था, राइट। अब उसमें क्या चेंज आया है, होल सेक्शन हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड हियर, व्हेन दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल, दिस सेक्शन बिकेम्स एप्लीकेबल व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, पेमेंट इज मेड ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं हम बेटा 194 ए, यहां पर रीराइट कर दीजिए 194 ए, पेमेंट इज मेड टू रेसिडेंट, कौन पेमेंट कर रहा है, बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और पब्लिक कंपनी नॉट पोस्ट ऑफिस, द पेयर इज अ बैंक और कोऑपरेटिव एंड द अमाउंट पेड इज 40,000, क्या तुम्हें याद आ रहा है 10,000 कट करके क्या हो गया 40,000, इन अदर केस द पेमेंट इज 5,000, वॉट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस सेक्शन बींग एप्लीकेबल, अब जितना पुराना प्रोविजन था सब कट हो गया, नया प्रोविजन क्या आया है, द पेयर शेल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर फॉर सच पीरियड एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब, वर्ड देखिए क्या सच बात लिखी है, ठीक है। ये क्या किया है इन्होंने, सर अगर तुम प्लेन लाइन समझोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं आपको सीधे बात समझाता हूं। एक ओल्ड प्रोसेस होता था, ओल्ड प्रोसेस क्या था मैं आपको पहले समझाता हूं तो नया प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ओल्ड में क्या होता था, मैंने मान लीजिए अगर 12 लोगों को अलग अलग इंटरेस्ट पे किया है तो मुझे जनरली एक फॉर्म या सीडी के अंदर में इन सभी की डिटेल डाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता था, पर आपको तो पता है वो जमाने चले गए जब सीडी या डीवीडी यूज हुआ करती थी, याद है ना, अभी क्या मोबाइल है सबके पास, सीडी डीवीडी वाले जमाने चले गए, वो जो डिटेल्स वाले जमाने थे चले गए, अब तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जमाना है, राइट। तो ओल्ड प्रोविजन को कट करके नया प्रोविजन लाना था, अब ये जो नई डिटेल दी जाती है प्रैक्टिस में ये ऑनलाइन ही सबमिट की जाती है, इसीलिए ये देखो ये जो वर्ड था ना शैल बी गिवन इन मैग्नेटिक क्रेज और सीडी रोम, ये सब कट कर दिया और उनने बोला अब हम आपको नया प्रोसेस दे रहे हैं इस स्टेटमेंट को सबमिट करने का, आपने जितनों को भी इंटरेस्ट दिया है जितने रेसिडेंट को इसका डिटेल अब प्रिस्क्राइब फॉर्म प्रिस्क्राइब मैनर प्रिस्क्राइब टाइम में जाएगा, ये सब प्रिस्क्राइब किधर होगा इनकम टैक्स रूल्स में, कौन सा फॉर्म भरना है कितने टाइम में भरना है कब भरना है और कौन भरेगा। सो वर्ड देखिए, द पेयर जिसने पे किया वो प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर सच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ये लिखा होगा इनकम टैक्स रूल्स के अंदर में, सिर्फ वर्ड रिप्लेस हुए हैं और वो भी लॉ के, ना आपको फॉर्म नंबर याद रखना है ना आपको टाइम याद रखना है, कंटेनिंग सच पर्टिकुलर उसमें क्या दिया होगा ये भी रूल्स बताएगा, वेरीफाइड इन सच मैनर कौन साइन करेगा, कब भरना है इन सच टाइम शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब, डिलीवर और कॉस्ट टू डिलीवर सच स्टेटमेंट टू द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के पास ले जाकर के डिलीवर कर रहा है ये भी हम बताएंगे, इन शॉर्ट क्लरिकल प्रोसेस चेंज हुआ है, जो आप पहले सीडी या अदर चीजों में देते थे अब आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, यस ऑर नो। इसी के साथ साथ इसके मिसलेनियस प्रोविजन को भी कट किया गया है और यह नया प्रोविजन लाया है, एज पर सेक्शन 206(a)(2) सीबीडीटी में रिक्वायर एनी पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन 206(a)(1) टू प्रिपेयर एंड डिलीवर सच स्टेटमेंट इज प्रिस्क्राइब फॉर्म, जनरली जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक है पोस्ट ऑफिस है उन्हीं को यह स्टेटमेंट देना होता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में एक पावर लेती है, हम फ्यूचर में किसी और को भी बोल सकते हैं कि आपको भी अभी यह स्टेटमेंट बनाना है और डिलीवर करना है। सो वर्ड देखिए क्या लिखा है, सीबीडीटी में रिक्वायर एनी अदर पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इन 206(a)(1), मतलब अपार्ट फ्रॉम बैंक पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव इनके अलावा हम फ्यूचर में बोल सकते हैं, कल चल के अगर वो कहते हैं विजय सारडा को भी ये देना है तो विजय सारडा को भी देना है, ये एक पावर इनने नया इंसर्ट कर दिया। पेमेंट इज मेड टू रेसिडेंट, सच पेमेंट इज मेड अंडर दिस सेक्शंस
एंड एज पर 206A3 पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्निशिंग द स्टेटमेंट मे ऑल्सो डिलीवर टू इनकम टैक्स अथॉरिटी अ करेक्शन स्टेटमेंट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक और टू एड और डिलीट और अपडेट द इन्फॉर्मेशन. इसी के साथ साथ सच अदर पर्सन को एक पावर भी दिया है कि अगर इन्फॉर्मेशन देने में कोई गलती हो जाए तो उसका रेक्टिफिकेशन और मिस्टेक रेक्टिफिकेशन का पावर भी अब इस सेक्शन के अंदर में कवर कर लिया गया है. यानी अगर आपसे रिटर्न गलती से गलत चला गया तो आपको रेक्टिफिकेशन करने का भी पावर मिलेगा अंडर सेक्शन 206A. तो कुल मिला के इस सेक्शन में क्या बोला है, इस सेक्शन में बोला है 194A के तहत पहले जब इंटरेस्ट डिडक्ट होता था हमें एक स्टेटमेंट बना के देना होता था, एक रिटर्न बना के देना होता था, वो जाता था CD में, हार्ड डिस्क में, फिजिकल फॉर्म में. अब उसे हटाया, बोला ऑनलाइन देंगे, हम प्रिस्क्राइब मैनर प्रिस्क्राइब टाइम बताएंगे. साथ ही साथ में इन्हीं को ही नहीं, सेकंड क्लॉज ऐड किया गया, हम किसी और को भी बोलेंगे उस व्यक्ति ने भी करना है. तीसरा क्लॉज, हम रेक्टिफिकेशन का भी इसमें पावर देंगे. और ये बहुत लॉजिकल अमेंडमेंट है क्योंकि प्रैक्टिस में रिटर्न भरते वक्त कई बार गलती हो जाती थी. नॉर्मल रिटर्न तो रिवाइज हो जाते थे लेकिन ऐसे रिटर्न को भी रिवाइज करने का मौका मिलना चाहिए था, वो सरकार ने ईज दे दिया, काम खत्म. तो आप देख सकते हो मैंने सारे पहले अमेंडमेंट TDS के इंपॉर्टेंटली और तीनों एंड वाले चीजें, ये क्लरिकल प्रोसेस थी इसलिए सबसे एंड में रखा, उसको पढ़ो या नहीं पढ़ो बस एक बार अमेंडमेंट ध्यान में रखने वाली बात थी. गेटिंग इट और नॉट? और इसी के साथ आपका TDS का सेक्शन भी क्या होता है, ओवर. चल मेरे भाई, आपको पहले नहीं नहीं एक बार मेरे मन को तसल्ली हो जाए. बेटा बहुत दम लगा है पूरे अमेंडमेंट एक एक कंपाइल करने में. पहला टॉपिक क्या पढ़ा मालिक, बेसिक एग्रीकल्चर इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PUBG, एक एक जगह जहां जहां पे अमेंडमेंट था सब निकाल के लेके आए. सेट ऑफ बाकी है अभी, डिडक्शन खत्म, TDS खत्म, क्या क्या बाकी है. सबसे पहले एडवांस टैक्स भी इसी के साथ साथ हो गया. सबसे पहले बाकी है सेट ऑफ, रिटर्न ऑफ इनकम एंड एग्जम्पशन. ठीक है, ये मेजरली इंपॉर्टेंटली आप लोगों के लिए बाकी है, बाकी फाइनल वालों के लिए तो और भी टॉपिक है ही है. ठीक है, हालांकि ये चीज़ें कॉमन है फाइनल वालों के, तो अभी असेसमेंट प्रोसीजर के अमेंडमेंट, इंटरनेशनल टैक्स के अमेंडमेंट, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी के अमेंडमेंट, ये सब बेटा इस वीडियो में कंटिन्यू है. देखते रहना और दिल थाम के रहना, समझ रहे हो. अमेंडमेंट कितने सारे हैं, चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम सीधा चल रहे हैं रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर. आ भाई, सर इसमें अमेंडमेंट हुए हैं क्या? बहुत सारे रिटर्न ऑफ इनकम में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं. कन्फर्म पहला सेक्शन आएगा, कन्फर्म May 20, November 20 में आएगा. सर अगर नहीं आया तो क्या, मैं कौन सा पेपर चेक कर रहा हूं और आप कौन सा मुझे फीस दे रहे हैं? आप एग्जाम फीस उनको दे रहे हैं, उनने नहीं किया, बट एकदम प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड है, आना है मतलब आना ही है. धारा 139, ये सेक्शन बड़े ही काम की चीज. कैसी चीज? बड़े ही काम की चीज. सर रिटर्न ऑफ इनकम, मैं आपको ये सेक्शन थोड़ा याद दिला देता हूं. कुछ लोगों को मैंडेटरीली रिटर्न भरना पड़ता है. पहला था कंपनी, दूसरा था फर्म, तीसरा था एवरी पर्सन हुज इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन और डिडक्शन एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, चौथा था ROR हैविंग असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, वेदर एज अ बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी. हा या ना? इसमें अति भयानक इंपॉर्टेंट चेंज आया है. वापस से कैसा? अति भयानक इंपॉर्टेंट चेंज आया है. इसके अलावा 5 लोग और जोड़ दिए हैं जो रिटर्न मैंडेटरीली भरेंगे. पहला अमेंडमेंट ये, दूसरा एग्जम्पशन और डिडक्शन अब तक के सिर्फ सेक्शन 10 के और 80 के जनरली कवर होते थे, इनमें 54 के एग्जम्पशन भी जोड़ दिए. सर मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, जरा ध्यान से सुनिएगा. सेक्शन क्या कहता है,
किन किन को रिटर्न भरना है, ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन दी है, सबसे पहले आप इसको बॉक्स में डालें, नहीं तो आपको समझना जरा मुश्किल हो जाएगा। ओल्ड प्रोविजन की अगर हम बात कर ले तो इंडिविजुअल HUF AOP BY AJP फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इज कंपल्सरीली ओनली इफ द टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। पुराने जमाने में सिर्फ इनकम अगर बिफोर द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सीड कर जाती थी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर तो रिटर्न भरना था। सीधे शब्दों में पुराने जमाने में अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चल जाता था तो आपको क्या भरना था, रिटर्न ऑफ इनकम भर देना था। ये थी आम जिंदगी। अब आई मेंटोस जिंदगी। अब रिटर्न किस किस को भरना है? मैंडेटरी रिटर्न सर सबसे पहले भरना है कंपनी को। कंपनी का मतलब प्राइवेट, पब्लिक, OPC, लिस्टेड, अनलिस्टेड, वेदर इन लिक्विडेशन और नॉट। कंपनी मंजे कंपनी, रिटर्न भरना है। दूसरा था फर्म, और जहां जहां पे भी तू जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, LLP, याद आ रहा है क्या? सो फर्म ऑब्लिक LLP को रिटर्न भरना है। अमेंडमेंट हुआ है यहां इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP इफ इनकम बिफोर क्लेमिंग पॉइंट नंबर एक डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बेटा चैप्टर 6A आपको याद होगा मेजरली 80C टू 80U इंक्लूडिंग 80I IB IC ID वाले, यस ऑर नो? पहले सिर्फ इतनी ही बात लिखी होती थी, इनमें दूसरा पॉइंट ऐड कर दिया गया है, एंड वर्ड जोड़ा है, और नहीं एंड वर्ड जोड़ा है, एंड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F, 54EC। फिफ्टी फोर जी ए फिफ्टी फोर जी बी। क्या दर्द है साहब, देखिए एक जिस पॉइंट पे आपको हाईलाइट करना चाहिए 54EE नॉट कवर्ड, एक येलो कलर की लिपस्टिक जिसे हम आम भाषा में हाईलाइटर कहते हैं वो लगाइए यहां पे। बहुत तगड़ा अमेंडमेंट है साहब इसमें। यस और नो? चेक बेटा इसका मीनिंग समझना। इंडिविजुअल HUF AOP BY AJP अगर इनकम बिफोर, आय हाय दर्द है इसमें, बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन और एग्जम्पशन, डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले, अब जरा समझिए प्रॉब्लम क्या था और ये अमेंडमेंट आया क्यों। मान लीजिए मैं एक घर सेल करता था, मेरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करता था, सपोज जिसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था 70 लाख, इधर सुनना लिखना मत, ठीक है? सपोज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर था 1 लाख, ये बचता था 69 लाख नेट कंसिडरेशन, कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वॉट एवर बन जाता था 49 लाख, मुझे आता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख का, इसमें से मैं नई प्रॉपर्टी के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर देता था और 20 लाख पूरा का पूरा निल ले लेता था अंडर सेक्शन 54। ये हो गया निल, लॉजिकल, बराबर? आई होप ये सब आपको कैपिटल गेन का कुछ तो याद आ रहा। मेरे भाई तूने सारा कैलकुलेशन कर लिया, प्रॉब्लम क्या होता था मैं आपको बताऊं? आपके बैंक अकाउंट में 70 लाख रुपए आए,
देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम था और ये अमेंडमेंट लाने के पीछे लॉजिक बहुत तगड़ा था। मान लीजिए सामने वाले बेचने वाले ने मुझे 70 लाख दिए, कैश में तो दे नहीं सकता, उसने मुझे बैंक अकाउंट में दिए, बैंक अकाउंट में 70 लाख रुपए आए, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलर्ट बोलती थी इस अकाउंट में पैसा आया पैसा आया पैसा आया, अलर्ट घोषित कर देती थी, बराबर। दूसरा प्रॉब्लम, सामने वाला मुझे 70 लाख दे रहा है मतलब उसने टीडीएस डिडक्ट किया, टीडीएस डिडक्ट किया मेरा, टीडीएस उसने गवर्नमेंट को पे किया होगा, वापस से टीडीएस डिपार्टमेंट या टीडीएस सॉफ्टवेयर इस आदमी को पैसा आया पैसा आया पैसा आया पैसा आया। यह व्यक्ति अब अपना रिटर्न भरता था जिसमें टीडीएस का क्लेम लेता था, उसका इनकम मान लो कोई और अदर इनकम नहीं है जीरो हो जाता था और इस आदमी का टैक्स हो जाता था जीरो। अब इनकम टैक्स एक सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर का नाम होता है CASS, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर। आप CA फाइनल में होंगे तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया होगा, आप इंटर में रहेंगे तो आपको बता दूं कि बॉस क्या है कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर अलार्मिंग सिग्नल भेज रहा था कि बॉस इस आदमी को पैसा मिला है, लेकिन इस आदमी का रिटर्न तो नील चल रहा था और आदमी को कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी। तो ओल्ड प्रोविजन अगर हम पढ़ लें, इनकम इज नॉट एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो आदमी रिटर्न ही नहीं भरता था। आदमी ने रिटर्न नहीं भरा, एक मिनट, यहां से अलार्मिंग सिग्नल जा रहा है पैसा आया पैसा आया पैसा आया, और वो आदमी अपना रिटर्न ही नहीं भरता था। क्यों नहीं भरता था? क्योंकि उसको तो टैक्स लाइबिलिटी इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही नहीं थी, एग्जम्पशन माइनस करने के बाद उसको तो नील ही आ रहा था। ऐसे आदमी को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर लव लेटर भेज देता था, आपको पैसा मिला लेकिन आपने रिटर्न नहीं भरा। यह आदमी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपना वो लेटर लेकर के जाता था, यह लेटर लेकर के गया, ऑफिसर क्या है ये, आपने मुझे लव लेटर भेज दिया, क्यों भेजा ये? डिपार्टमेंट, सर आपको इसलिए भेजा क्योंकि आपकी 70 लाख रुपए रिटर्न, 70 लाख रुपए आपको दिख रहा है मिले हैं, कहां है वो? एक मिनट, कहां है वो का क्या मतलब? जाके पहले अपना एक्ट पढ़ो, तुम्हारे एक्ट में लिखा है कि हम एग्जम्पशन ले सकते, ये प्रॉपर्टी के कागज, एग्जम्पशन क्लेम किया है हमने, और एग्जम्पशन क्लेम करने के बाद हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा ही नहीं रही, तो किस बात का रिटर्न? और क्या गलत किया? पेनल्टी लगा के भेज दी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अरे जब भरना ही नहीं है तो काहे की पेनल्टी? समझ रहे हो डिस्प्यूट कहां अराइज होता था? ये डिस्प्यूट अराइज हो जाता था जबकि ये डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए था। हालांकि ये डिस्प्यूट अराइज हुआ बिकॉज ऑफ द इश्यूज इन टैक्स वर्डिंग्स, गवर्नमेंट को समझ में आया। दूसरी बात क्या होता था, अगर किसी को 70 लाख रुपए मिले भी हैं तो जरा समझे तो सर, इस व्यक्ति ने 70 लाख लगाए कहां है? क्योंकि इसने घर तो 20 लाख का लिया, बचा 50 लाख का, ये कर क्या रहा है? ऐसे व्यक्ति को कहा, बेटा भले ही तुम्हारा इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं जा रहा, बराबर, अब ये वर्ड जो ऐड हो गए इसके कारण बताओ इंपैक्ट क्या होगा? अब ये वर्ड ऐड होने का इंपैक्ट ये होगा कि अगर आप 54BDGGA GB के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो और एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, रिटर्न भरो। सर रिटर्न भरा तो क्या मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा? ना मुन्ना ना, हम कह रहे हैं रिटर्न भरो, टैक्स लाइबिलिटी आ रही है तो ही भरना है, रिटर्न तो भरो, हमें समझ में तो आए कि तुम कर क्या रहे हो। अब समझा इस अमेंडमेंट का इंपैक्ट कितना बड़ा है, ये प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ऐसे अमेंडमेंट लाना बहुत जरूरी हो जाता डिपार्टमेंट में। अब हर कंपनी को, फर्म को, LLP को तो रिटर्न मैंडेटरीली भरना है, प्रॉफिट आए लॉस आए फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तब रिटर्न भरना है जब डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, एग्जम्पशन भी कौन से वाले, मैं सारे याद दिला देता हूं, 54 घर बेच के घर खरीदना है, 54B एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड लेना है, याद आ रहा है, 54D इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपल्सरीली एक्वायर्ड, 54F कुछ भी बेचो घर खरीदो, 54EC लैंड एंड बिल्डिंग बेचो बॉन्ड खरीदो, याद है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग वर्ड आ गया उधर। 54G GA और GB फाइनल लेवल पे है, इंटर लेवल पे है ही नहीं, इसलिए आपने इस सेक्शन के ऊपर नहीं भी दिमाग लगाया तो भी चलता,
इंटर लेवल पे ये चीज नहीं पूछेंगे, माइंड भी फाइनल लेवल पे इस चीज को भी पूछ सकते हैं, यस और नो? जी, अर्बन से उठो रूरल में जाओ, जी एक कहीं से भी उठो एसईजेड में जाओ, 54GB अमेंडमेंट है इसमें तो, तीन वो भी हमने पढ़े हुए कैपिटल गेन वाले, याद होगा तो अब होल्डिंग आपको सिर्फ 25% रखनी है, ये सेक्शन 2021 तक के चले गया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अब 5 साल नहीं 3 साल होल्ड करोगे तो भी चलेगा, ओहो याद आया क्या? एक सेक्शन सिर्फ इनने मिस किया है, 54EE, गौर कीजिएगा, 54EE इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, कुछ भी बेचो शेयर्स में इन्वेस्ट करो, ई से इक्विटी, 54EE वाला सेक्शन इस लाइन में नहीं लाया सर, क्यों? क्योंकि 54EE खुद ही नया सेक्शन है, उसमें पास्ट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है, आया धन में या दुकान में, इसीलिए 54EE को कवर नहीं किया। तो अब सेक्शन क्या, एक मिनट, खत्म नहीं हुआ है, किस किस को रिटर्न भरना है? कंपनी को भरना है, फर्म LLP को भरना है। अच्छा मुझे बताइए, अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे आपसे? हुजूल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपकी टोटल इनकम जो आ रही है, आपकी टोटल इनकम जो आ रही है ये निल है, अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन दिया जाएगा, हाउएवर टोटल इनकम इंक्लूड कैपिटल गेन ऑन विच एग्जम्पशन हैज बीन क्लेम्ड अंडर 54 ऑफ ₹5 लाख, वेदर रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, यस समझ में आया अमेंडमेंट? ये वो पहला अमेंडमेंट। अब वर्ड पढ़िए, न्यू प्रोविजन क्या है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BY AJP फाइलिंग रिटर्न इज कंपल्सरी ओनली इफ टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट अंडर चैप्टर 6A एंड एग्जम्पशन अंडर 54, 54B, D, E, C, F, G, GA, GB, नॉट EE, समझ में आया क्या? ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू हुम ही इज लाइबल और असेसेबल, उसका या जिसका भी इनकम उसके हाथ में क्लब किया जा रहा है, एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सो अब इन लोगों को भी रिटर्न भरना है, बराबर? इसमें एक और सेक्शन ऐड हुआ है, इसमें चौथा था, और किसको भरना है सर? ROR हैविंग असेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया एज बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी। यहां तक लाइफ सॉर्टेड थी, ये तो एज इट इज वर्ड था, ROR हैविंग असेट और साइनिंग अथॉरिटी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट आउटसाइड इंडिया एज अ बेनिफिशियल ओनर और एज अ बेनिफिशियरी, एज अ बेनिफिशियल ओनर और एज अ बेनिफिशियरी फर्क नहीं पड़ता। Is that done? अब इसमें आया है एक और अमेंडमेंट, यहां तक एवरीबडी रिपीट विथ मी, चार लोगों को रिटर्न भरना है, किस किस को? कंपनी, फर्म LLP, इन लोगों को जब डिडक्शन एंड एग्जम्पशन अंडर 54 की सीरीज, 54EE छोड़ के जितने नाम याद आ रहे सब लिख देने का, सिर्फ 54EE मत लिखना, बाकी सब लिख देने का, ROR हैविंग असेट्स और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, इनमें 5 लोगों की और एंट्री हुई है, 5 लोग अब और रिटर्न भरेंगे, इनमें 5 लोगों की एंट्री और हुई है, यहां से अमेंडमेंट नंबर 2, ये था अमेंडमेंट नंबर 1। क्या आपको भी मेरे ऐसा गुस्सा आता है? आपके लिए शायद ये 1 टाइम है, मेरे लिए हर 6 महीने का काम है, सोचो मेरा दिल क्या खोलता होगा। अरे क्या करेंगे यार, अमेंडमेंट देखो हद होती है यार, जो नवंबर 19 वाला बच्चा है उसकी तो पूरी ऐसी तैसी करके रख दिया है इन्होंने।
आपको ये अमेंडमेंट पता है क्योंकि हमने डिस्कस किए हैं। अब जो बेचारा नवंबर 19 देकर के आया होगा उसको तो ऑप्शन ही नहीं रखा दूसरा वापस क्लास करने के अलावा, क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट वो किधर किधर कोप अप करते बैठेगा। इसलिए मैं यू नो अदर डे भी, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मोबाइल के ऊपर मोर देन 450 मैसेजेस पेंडिंग है। लिटरल सेंस के अंदर में 450 के ऊपर, कुछ रिजल्ट्स के होंगे उसमें, कुछ क्वेरी के होंगे, मैक्सिमम क्वेरीज के, सर अब क्या करें, हमने नवंबर दिया था उसकी बुक का क्या करें, फिर नई बुक कैसे ले। मैंने बोला अरे मेरे भाई रुक, मैं खुद लेक्चर में परेशान हूँ, मैं खुद लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे को छुट्टी नहीं मिली, मेरे दोनों सब्जेक्ट खत्म होने के बावजूद भी मैं चाहता था मेरे को थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए, पर मेरे को छुट्टी नहीं मिली। ये खत्म करूंगा फिर से रेगुलर बैच आंग पे है, 4 दिन बाद रेगुलर बैच चालू हो रहा है। बताओ प्रॉब्लम पता है क्या है, लोगों को सिर्फ है ना कैलकुलेटर का ई दिखता है, लोगों को सिर्फ कैलकुलेटर का ई दिखता, पर वो आदमी सुबह 5 बजे से लेकर रात में 4 बजे तक जग के एक एक अमेंडमेंट भी सेट कर रहा होगा वो नहीं दिखता ना, है या नहीं। खैर 5 चीजें इसमें नहीं ऐड की गई है, जरा ध्यान से सुनिए। ऐड करने का एक एक रीजन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला डिपॉजिट, भाई साहब विड्रॉल पे तो टीडीएस था, डिपॉजिट पे भी नजर है इनकी। आपने अगर डिपॉजिट एग्रीगेट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट, स्टॉप, बात एफडी की नहीं चल रही है, बात सेविंग की नहीं चल रही है, बात सिर्फ करंट अकाउंट की चल रही है। अगर करंट अकाउंट याद है ना बेटा, करंट अकाउंट क्या होता है, नहीं तो अकाउंट्स के टीचर आपको जरूर बताएंगे, उनसे पूछ लेना। करंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर किसी ने इन एग्रीगेट डिपॉजिट किया है, ये व्यक्ति रिटर्न भरेगा, इसकी इनकम कुछ भी हो इससे लेन देन नहीं। मेरी इनकम 2 लाख रुपए ही है पर मेरा डिपॉजिट 1 करोड़ है, पॉसिबल है? यस, आफ्टर एक्सपेंसेस हम इनकम कंसिडर करते हैं। मेरा डिपॉजिट 1 करोड़ है, हो सकता है ना सेल्स 1 करोड़ का हो, प्रॉफिट इतना बड़ा ना हो, पॉसिबिलिटी। 1 करोड़ रुपए का मैंने डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में, मेरी इनकम 2 लाख रुपए ही है, रिटर्न भरना है? हाँ रिटर्न भरना है। इनकी नजर वो कहते हैं जरा हम भी तो देखें, अचानक किसको 1 करोड़ रुपए आ गए जो करंट अकाउंट में डाल रहा है। करंट अकाउंट आदमी लॉजिक ही इससे ओपन करता है कि कभी मुझे पैसा की जरूरत पड़े तो मैं एक्सेस विड्रॉ करूं। 1 करोड़ कोई डिपॉजिट कर रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है, जरा देखो पता लगाओ ये है कौन। सो पहला ये ऐसे टाइप के प्रोविजन होते हैं जो करीना कपूर वाला नहीं होता है, ऐसा कौन बंदा था जिसने मुझे पलट के नहीं देखा, ऐसा कौन सा डिपॉजिट है ना, वो वाला सीन होता है इसके अंदर में, ऐसा कौन सा डिपॉजिट था जो हमारे ध्यान में नहीं आया। हार्ड है कि नहीं भाई, ऐसा कौन सा डिपॉजिट था जो हमारे ध्यान में नहीं आया, ऐसा कौन सा विड्रॉ था जो हमारे ध्यान में नहीं आया, पता होना चाहिए भाई, इसलिए ये चीज डाल दी। तो आपने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट, यहां अलग अलग बैंक भी कवर हो गए क्योंकि उनने करंट अकाउंट बोला विद ब्रांच नहीं बोला, एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट किया है आपको रिटर्न भरना है। दूसरा इनकर्ड एंड एक्सपेंडिचर, लो तुम्हारे खर्चों पे भी नजर है, इनकम इनकर्ड एंड एक्सपेंडिचर इन एग्रीगेट एक्सीडिंग ₹2 लाख, एक मिनट कितना, 2 लाख ऑन हिमसेल्फ और अदर पर्सन ऑन ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री। मैं आपको बताता हूं ये क्यों आया, ये था 2015 का स्पीच श्री अरुण जेटली साहब का, जिसमें उन्होंने टैक्स पेयर को एक टॉन्ट मारते हुए कुछ इस तरह से वर्ड यूज किए, सरकार 130 करोड़ की पब्लिक में सिर्फ 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स भरते हैं, हालांकि वर्ड दिखे, और उनने बहुत लॉजिकल बात बोली, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस आदमी का, बहुत लॉजिकल बात बोली, इस 130 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, हालांकि इस साल 42 लाख लोगों ने नई गाड़ियां ली है, करीब 22 करोड़ लोग आउट ऑफ इंडिया जाके आए हैं, लेकिन वो गरीबी रेखा के शायद नीचे होंगे। सेंसिबल बात कर रहा था यार व्यक्ति, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने ऊपर
या किसी और के ऊपर 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन का खर्चा किया है, आपको रिटर्न भरना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ही धर्म वाली पत्नी को लेकर आउट ऑफ इंडिया जाते हो, बराबर है, आपने पैकेज खरीदा 15 डेज यूरोप ट्रिप, खुद का 1,10,000, बीवी का 1,10,000, हालांकि आपकी ओवरऑल नेट इनकम 2,10,000 ही है। पॉसिबल है ऐसा? हाँ, हो सकता है, बिजनेस से उसने पर्सनल विड्रॉल मार के ऐसा किया हो, बाद में जब असेसमेंट होगा तब देखेंगे। रिटर्न भरना है, हाँ। दूसरा, मान लीजिए आपने अपने दोस्त जो आपके साथ फाउंडेशन इंटर फाइनल पढ़ा है वो सीए हो गया, आपने उसको 3 लाख रुपए का एक हनीमून पैकेज गिफ्ट दिया, रिटर्न आपको भरना है? हाँ। जिसको मिल रहा है उसके लिए कोई बात नहीं है, वो अपने मजे अलग करे, जो दे रहा है, जो खर्चा कर रहा है उसको ये रिटर्न भरना है। फॉरेन ट्रेवल मतलब क्या? कहीं भी इंडिया से बाहर, इंक्लूडिंग आप पाकिस्तान जाओ ये भी फॉरेन ट्रेवल ही माना जाएगा, आप नेपाल जाओ फॉरेन ट्रेवल है, श्रीलंका जाओ फॉरेन ट्रेवल है। नाउ द पॉइंट इज, पहला आपने डिपॉजिट किया 1 करोड़ से ऊपर, आपको रिटर्न भरना है। दूसरा, आपने फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया, आपको रिटर्न भरना है। इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओ हो हो, ऐसा कौन है जो दिन और रात दोनों जगह लाइट जला रहा है? 1 लाख रुपए के ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, भैया बड़ी बत्ती है, तुम्हारे घर में बहुत रोशनी है, दूसरों के घर में भी दो। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपए के ऊपर होगा आपका, चलो रिटर्न भरो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल संभाल के रखना। इसके अलावा हम और भी बता सकते हैं, अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार बोल रही है, हम फ्यूचर में कोई और क्राइटेरिया भी लेके आ सकते हैं। यस और नो, राइट? हम बस इतना सा डरते हैं कहीं ये ना आ जाए, अगर आपने वी स्मार्ट में क्लास लगाई है तो भी रिटर्न भरना है। आ सकता है भाई? चलिए वापस से सुनिए, ध्यान से सुनिए, नया अमेंडमेंट क्या आया। पहला, इफ डिपॉजिटेड इन वन और मोर करंट अकाउंट, कैसा बेटा, इन एग्रीगेट एक्सीडिंग रुपीज, बोल मेरा बेटा, 1 करोड़। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रैवल फॉर असेसी और अदर पर्सन एक्सीडिंग 2 लाख इन एग्रीगेट, बेटा इन एग्रीगेट वर्ड, क्योंकि हो सकता है साल में आप एक से ज्यादा बार बाहर जा रहे हो, एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सीड 1 लाख, वो तेरी किधर गया, ओ भाई साहब लिखा हुआ सब गायब हो गया, एनी अदर पर्सन सो स्पेसिफाइड। अब देखो ये आपको केस बेस्ड एमसीक्यू देंगे, यस और नो, ये आपको क्या करेंगे, एक आदमी के बारे में बताएंगे, एक आदमी है उसके घर में इतने लोग हैं, उसने साल में इतने फॉरेन ट्रिप मारे हैं और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हर साल इतना आता है, क्योंकि वो टेक लेवर है तो उसने हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे डाली हुई है, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका प्रीवियस ईयर में इतना आया है, बताइए इस व्यक्ति ने रिटर्न भरना चाहिए क्या जबकि उसकी इनकम इतनी है? इस तरह से घुमा के सवाल सीधा ही पूछा, बस आपको जगह जगह पे घुमाया।
ओके हाँ या हाँ? सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट. पहले इधर आओ 12.3, नेक्स्ट सेक्शन 139AA, नेक्स्ट सेक्शन 139AA, आगे आओ. हाँ जी, क्या बोल रहा है ये सेक्शन? सेक्शन आपसे सीधी बात करता है. देखो सेक्शन क्या कहता था, हर व्यक्ति को अपना आधार देना है 1 जुलाई 2017 के बाद. जिसके पास आधार नहीं है उसने अपना एनरोलमेंट नंबर दे देना. ये सुनो, अगर आधार नहीं दिया तो सेक्शन इनवैलिड हो जाएगा, सॉरी आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. आई स्टैंड करेक्टेड. 1 जुलाई 2017 के बाद जिस भी व्यक्ति ने उसने अपना डिपार्टमेंट को आधार कार्ड बताना है, आधार आपके पास नहीं है तो आपका एनरोलमेंट आईडी देना है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो यू नो पैन था ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. बेटा पैन को इनवैलिड अगर वर्ड यूज कर देते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये अब आपका रीवैलिडेशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मतलब आपको नया ही पैन इश्यू करवाना पड़ता. लॉजिकली सोच के देखना, पर अगर नया पैन इश्यू हो जाता तो इसके बेसिक नाम में ही प्रॉब्लम था ना, परमानेंट अकाउंट नंबर. अगर आप लिख देते थे इनवैलिड तो पुराना वाला तो पूरा ही खत्म हो गया. कंपल्शन नया, पर एक आदमी के दो पैन नंबर हो ही नहीं सकते, ये भी तुम नहीं लिखा है. तो ये खुद अपने वर्ड में कंफ्यूज हो गए थे, इन्होंने उस वर्ड को कट किया, इनवैलिड को कट करके नया वर्ड लाया इन ऑपरेटिव. कुछ याद आया, ये अमेंडमेंट क्लास में हुआ है, समझ में आई बात? उन्होंने नया वर्ड लाया, इनवैलिड हटाया, इन ऑपरेटिव वर्ड को लेके आ गए, मैटर खत्म. बोले अब अगर आपने आधार पैन को नहीं दिया तो ये इन ऑपरेटिव हो जाएगा, इनवैलिड नहीं. तो आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं या तो घुमा के केस स्टडी पूछ सकते हैं, इस व्यक्ति ने पैन नंबर इस तारीख तक के लिंक नहीं किया, अब बताइए इसका पैन इनवैलिड हुआ, इन ऑपरेटिव हुआ, बोथ हुआ या नीदर हुआ. आपको लिखना पड़ेगा इन ऑपरेटिव. दिस इज द न्यूएस्ट अमेंडमेंट. बाकी पूरा सेक्शन बस मैंने वहां पर रीराइट किया हुआ है. सो इनवैलिड की जगह वो क्या हो गया, इन ऑपरेटिव. इज दैट डन? बहुत बढ़िया बेटा, शानदार. आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन 194(1)C, पेज नंबर 12.4, 194(1)C. समझते हैं सेक्शन का मीनिंग क्या है. 139(1)C, आई स्टैंड करेक्टेड. समझते हैं इस सेक्शन का मीनिंग क्या है. कैन एनीबडी प्लीज टेल मी इसका मीनिंग क्या है. याद होगा तो सेक्शन 139(1)C क्या कहता था, कुछ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकता है फ्रॉम फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम. सेक्शन 139(1)C कहता था कुछ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकता है फ्रॉम फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम. अब इसका सेक्शन में एक अमेंडमेंट आया है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया, नोटिफिकेशन नंबर 55/2019, जिसके तहत उसने कुछ लोगों को रिटर्न भरने से एग्जम्प्ट कर दिया. अब तक ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल सेक्शन था, अब ये प्रैक्टिकल सेक्शन भी हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने सही में ऐसे दो लोग नोटिफाई कर दिए जिनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. तो सेक्शन 139(1)C, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई द क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन हु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. नोटिफिकेशन 55/2019, सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय स्पेसिफाई दैट क्लास ऑफ पर्सन बींग अ नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन कंपनी हु हैज एनी इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप इन IFSC लोकेटेड इन इंडिया. मान लीजिए अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को इनकम आती है किसी भी इन्वेस्टमेंट फंड से जो सेटअप है IFSC इन इंडिया. याद होगा तो IFSC इंडिया में सिर्फ दो ही जगह पे है, गिफ्ट सिटी गुजरात और आंध्र प्रदेश. IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. तो ध्यान से सुनिए, मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम था चुंगली,
इसने इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप था आईएफएससी में, बराबर है। इन्वेस्टमेंट फंड से इसको आ रही थी इनकम, ये इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्या चुंगली को रिटर्न ऑफ इनकम भरना है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि चुंगली को एक ऐसी जगह से इनकम आई है जो इन्वेस्टमेंट फंड से है, और इन्वेस्टमेंट फंड कहां सेटअप है? आईएफएससी में। यही इन्वेस्टमेंट फंड आईएफएससी में ना सेटअप होके पुणे के शुक्रवार पेट में सेटअप होता, क्या उसे रिटर्न भरना होता? हाँ, समझ में आया। यानी एग्जम्पशन कहां है? जहां पे आईएफएससी में वो सेटअप है इन्वेस्टमेंट फंड, वहां से किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को इनकम जा रही है तो ही ये एग्जम्पशन उसको है कि उसे इंडिया में रिटर्न नहीं भरना। उसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है, पूछो क्या इन्वेस्टमेंट फंड टीडीएस डिडक्ट करता है? हमारा ऑब्जेक्टिव था उससे इनकम टैक्स लेने का, वो रिटर्न भरे नहीं भरे उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो टीडीएस वैसे ही डिडक्ट हो जाता उसके ऊपर। कंडीशन टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, ले उससे टैक्स ले लिया, उसके बाद क्या फर्क पड़ने वाला है? वो रहे ना रहे, देर इज नो अदर इनकम लायबल टू टैक्स, और उसको कोई नोटिस 142, 148, 153 है और इनकम टैक्स से नहीं गया। इन शॉर्ट असेसमेंट नोटिस ना गया हो, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई लव लेटर ना गया हो, डन बेटा। वापस से, अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी, सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकता है फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ऐसे केस में दो लोगों को एग्जम्प्ट किया है, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को, वो भी कब? अगर उनका टीडीएस कटा है, उनकी जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट फंड से है, इन्वेस्टमेंट फंड कहां सेटअप है? आईएफएससी में सेटअप है, तो उन्हें किसी भी तरह का इंडिया में रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, गेम ओवर। लास्ट अमेंडमेंट, सेकेंड लास्ट इस चैप्टर का, मैंने कहा इस चैप्टर का, ठीक है, बराबर। रिलीफ अंडर सेक्शन 89, सर एक मिनट, ऐसा कौन सा रिलीफ है जो हमने नहीं पढ़ा? 87 ए है सर, वो आप गलत पढ़ा रहे हो, हाँ 89 है, सैलरी में पढ़ा था एंड एट दी एंड, वो एडवांस सैलरी एरियर्स ऑफ सैलरी आ जाती है, अचानक से आपका स्लैब रेट बढ़ जाता है जिसके कारण आपको एक रिलीफ देना जरूरी है, बराबर है। अब प्रॉब्लम क्या थी जरा समझना, मान लो ये है असेसी, इसने अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरा, ये रिटर्न गया डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ने की इसके ऊपर असेसमेंट, बराबर। असेसमेंट बेटा होती है 143 में या 144 में, 143 डिपार्टमेंट कहता है आई लव यू, और जो आप प्यार से ना माने तो आपकी बजा देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये शब्द कहीं पड़े पड़े से लगते हैं। डिपार्टमेंट पहले प्यार से बोलेगा, आपसे कहेगा 143, आप प्यार से नहीं माने तो आपकी बजा देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसी, असेसी ने रिटर्न भरा, रिटर्न डिपार्टमेंट में गया, इस पे हो गई असेसमेंट। अब असेसमेंट में क्या हुआ, आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी जो इनकम थी ये क्या हो गया, बढ़ गया, हाँ या ना, बराबर है। आपकी इनकम बढ़ गई, आप एओ के पास पहुंचे, एओ को कहा भाई जी मुझे कुछ क्या दे दो, रिलीफ दे दो, मुझे कुछ क्या दे दो, रिलीफ दे दो प्लीज। असेसी को कई बार एक रिलीफ अवेलेबल होता था सेक्शन 89 में, जो उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है उसके कारण, लेकिन ऐसा कोई रिलीफ दे सकते हैं क्या असेसमेंट के दौरान? ऐसा पावर सेक्शन 140A, 143, 234A, 234B एंड सी में नहीं लिखा था कि जब आप इनका कंप्यूटेशन करेंगे क्या एओ ये रिलीफ दे सकता है या नहीं दे सकता। इस साल एक बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट हुआ असेसी के फेवर में, कहते हैं अगर आप असेसमेंट के बाद भी उसका इनकम निकाल रहे हो तो भी जो 89 का रिलीफ है
आप वो असेसी को जरूर दोगे। अगर असेसी 89 के रिलीफ के लिए एलिजिबल है, भले ही आपका असेसमेंट हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, पर वो रिलीफ उस असेसी को देना पड़ेगा, चाहे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट निकाल रहे हो, असेसमेंट के हिसाब से टैक्स निकाल रहे हो, या 234 ABC का इंटरेस्ट निकाल रहे हो। अगर असेसी को रिलीफ 189 के तहत मिलना है तो उसे आप कैलकुलेट जरूर करेंगे। With a view to avoid genuine hardship in case of a person who is eligible for relief under 89, provision of 140A, 143, 234 A, B and C have been amended to provide the computation of tax liability shall be made after allowing the relief under section 89. Sir, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम का है क्या? हाँ, तो सर चलो अब उल्टा चलते हैं, यहां से जरा सा उल्टा जाते हैं। ये खत्म, 1C खत्म, आधार खत्म, अब सिर्फ क्या बचता है? पैन, 139A, पैन में भी अमेंडमेंट, और पैन कब तक लेना है इसमें भी अमेंडमेंट। दो आप टेंशन मत लो, ये इतना बड़ा आपको सिर्फ पूरा सेक्शन रिराइट करके दिया है आपके नॉलेज के लिए। पहला जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ है, सीधे आइए थर्ड अमेंडमेंट पे। इसे हम कहते हैं आधार पैन इंटरलिंकिंग। जहां जहां पे भी पैन का रिक्वायरमेंट था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया, अगर आप उस जगह पे पैन के जगह आधार भी डालोगे तो भी ये चलेगा। और इस अमेंडमेंट के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हर फॉर्म को चेंज कर दिया और आपको ऑप्शन दिया, या तो पैन की डिटेल डाल दो या आधार की डिटेल डाल दो, किसी भी तरीके से चल जाएगा। इसे कहते हैं हम इंटरलिंकिंग ऑफ पैन और आधार। मतलब ऑलमोस्ट ऑन एवरीथिंग अगर आपके पास पैन नहीं है पर आधार है, आप आधार डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम कर देगा। 6A एंड 6B हैज बीन न्यूली इंसर्टेड टू प्रोवाइड कोटिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग ऑफ पैन एंड आधार। एवरी पर्सन एंट्रिंग इन टू सच ट्रांजेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब शेल कोट इज पैन, एक वर्ड क्या ऐड हो गया, और आधार। तो जरूरी नहीं है जहां पे आपको बोला था आपने पैन कोट करना है वहां पे पैन ही कोट करोगे, उस जगह आधार भी कोट किया तो इक्वली लॉजिकल रहेगा ये। एंड ऑल्सो ऑथेंटिकेट सच पैन और आधार इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। एवरी पर्सन रिसीविंग एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन शैल इंश्योर पैन और आधार नंबर एज द केस मे बी ड्यूली कोटेड। जिस भी व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट लेना है, पहले वो मैंडेटरीली पैन लेता था, वो पैन की जगह आधार भी लेगा तो लॉजिकल रहेगा। एज पर एक्सप्लेनेशन 139A, ऑथेंटिकेशन मीन्स अ प्रोसेस बाय विच पैन और आधार अलॉन्ग विथ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज सबमिटेड टू द इंडिविजुअल अथॉरिटी और सच अदर एजेंसी एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर वेरिफिकेशन। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है कि बॉस आधार भी वो जिसका बायोमेट्रिक डिटेल्स आपको मिल सके, खत्म हो गया काम। वैसे भी आप किसी भी आधार का बायोमेट्रिक डिटेल्स ले सकते हो। ये था पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट, आधार के जगह पैन के जगह आप आधार भी दोगे तो भी चलेगा। सर ये क्या था? ये आपको बता रहा था जिस जिस जगह पैन दोगे उस जगह आधार भी दे तो भी चलेगा। दूसरा, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू इंटीमेट और कोट इज पैन, ही मे फर्निश और इंटीमेट इज आधार नंबर इन ल्यू ऑफ रिक्वायर्ड पैन। जहां जहां पे इसको पैन देना है इसके जगह पे आधार भी देगा तो भी चलेगा। And he may furnish or quote his आधार number in lieu of PAN number। जहां जहां पे भी हमें PAN number देना है उसके जगह हम आधार number देंगे तो भी चलेगा। अच्छा जी सर, अब आते हैं first amendment पे। किन किन transaction में PAN देना है? सर काम की चीज, किन किन transaction में PAN देना है? ओल्ड प्रोविजन,
आपको पैन तभी देना होता था जब आप रिटर्न भर रहे हो, या पैन तभी देना होता था जब इनकम आपकी, जब इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो आपको पैन लेना होता था। तीसरा, आपका बिजनेस इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर हो तो पैन लेना पड़ता था। चौथा, एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। फिर से रिपीट कर दूं, आपको रिटर्न भरना है, आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, आपको तीसरा एनीबॉडी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है या एनी अदर सम प्रिस्क्राइब। इसमें एडिशन हुए हैं, वर्ड देखिए। पहला, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, हर उस व्यक्ति को लेना है जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, ये एज इट इज था। दूसरा, हर वो व्यक्ति जिसकी बिजनेस इनकम और प्रोफेशन इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है, इसे पैन लेना है, ये भी पहले से था। तीसरा, अ पर्सन रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल, जिस ये नया आया, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन एग्रीगेट 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो। अब वो बेसिक एग्जम्पशन की बात नहीं कर रहे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी 2.5 लाख रुपए के ऊपर गया तो आपको पैन लेना है। वापस से कह दूं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी 2.5 लाख रुपए से ऊपर गया आपको पैन लेना है। ये और एक जुड़ा, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बी अ डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, फाउंडर, कर्ता, सीईओ और प्रिंसिपल ऑफिसर। होता क्या था, कंपनी में व्यक्ति डायरेक्टर बन जाता था, डायरेक्टर बनने के लिए लगता था डिन, और डिन लेने के लिए लगता था पैन। वो आदमी बोलता था मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर ही नहीं है, मैं पैन नहीं लूंगा, पर मुझे डिन चाहिए। कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स दोनों दोस्त अच्छे लगते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। इसीलिए यहां चेंज किया कि इन पोजीशंस पे भी अगर तुम्हें आना है, डायरेक्टर की, पार्टनर की, ट्रस्टी की, ऑर्थर की, फाउंडर की, कर्ता की, इस जगह पे तुम्हें क्या लेना जरूरी है, पैन। और जो लास्ट वर्ड था वो यहां डाल दिया, एनी अदर पर्सन हु एंटर्स इन टू सच ट्रांजेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब इसके आगे हम कुछ और भी बोल सकते हैं, उन लोगों को भी पैन लेना है। समझा या नहीं समझा? तीन अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट कहता है किन किन को पैन लेना है, इसमें दो लोग बढ़ाए, हर वो व्यक्ति अदर देन इंडिविजुअल जिसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ऊपर होगा। दूसरा, जो डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑर्थर जैसी पोजीशन को लेना चाहता होगा उसे पैन लेना है। दूसरा अमेंडमेंट, जहां जहां पे पैन की जरूरत है अब वहां पे आधार ले लो। तीसरा, जहां जहां पे पैन कोट करना था वहां आधार कोट कर दो। ठीक है साहब, ये तीन अमेंडमेंट। टेक्निकली चेक कीजिए, रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड सारे अमेंडमेंट हमारे डन हो गए साहब। आता कसा वाटते, मैं आपसे कह दूं सारे बड़े टॉपिक खत्म हो गए, लेकिन अब भी कुछ एक बहुत बड़ी चीज बाकी है। सेट ऑफ इज नॉट दैट बिग, एग्जम्पशन इज, एग्जम्पशन में अमेंडमेंट अच्छे हैं, बट ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना। टीडीएस डन, आई थिंक डिडक्शंस ऑल्सो डन, सी एस, देख रहे हो मालिक आपको कितना टाइम लगा है। आओ सेट ऑफ का एक छोटा सा पॉइंट है वो खत्म कर दें। से यस, पेज नंबर 9, सर सुनिए, अगेन मैं आपको याद दिला दूं, सेक्शन 79 कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन केस ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। मुझे क्यों ये बार बार याद दिलाते हैं कि ये क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी होता है, यानी प्राइवेट कंपनी के सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस से रिलेटेड में एक पार्ट अमेंड हुआ है। एक ही अमेंडमेंट है सेट ऑफ में, पर्सनली मुझे लगता है ये अमेंडमेंट फाइनल लेवल पे ज्यादा आना चाहिए रादर देन इंटर लेवल पे,
बट अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट है। हालांकि ये सेक्शन इंटर लेवल पे भी है, पर मुझे इसके वरासिटी इंटर लेवल पे पूछने की कम लगती है, फाइनल लेवल पे पूछने की ज़्यादा लगती है। तो फाइनल वाले बहुत अच्छे से ध्यान दें। द होल सेक्शन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एज अंडर, पूरा सेक्शन वापस से प्रोड्यूस किया है। व्हेन दिस सेक्शन बिकेम एप्लीकेबल, व्हेन अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इज कैरिंग फॉरवर्ड एनी लॉस, अगर कोई प्राइवेट कंपनी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है जो अंडर चैप्टर 6 के अंदर में आया होगा। एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट एप्लीकेबल, चेंज इन वोटिंग पावर एंड शेयर होल्डिंग टेक प्लेस कॉन्सिक्वेंट टू द डेथ ऑफ शेयर होल्डर और गिफ्ट ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर टू हिज रिलेटिव। शेयर होल्डिंग अगर चेंज हुई होगी तो यह पॉसिबल नहीं है। चेंज इन शेयर होल्डिंग टेक प्लेस इन एन इंडियन कंपनी बींग सब्सिडरी ऑफ फॉरन कंपनी, द फॉरन कंपनी प्रोवाइड्स दैट 51% ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड और डीमर्जर फॉरन कंपनी शेल कंटिन्यू टू बी द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड फॉरन कंपनी। अगर शेयर होल्डिंग में कोई चेंज हुआ होगा तो, इन केस ऑफ अमलगमेशन फॉरन कंपनी। ये सारा एज इट इज है, अमेंडेड वाला पार्ट पढ़ो सीधा। अ कंपनी एंड इट सब्सिडरी एंड सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी इज सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशन। अगर ये कंपनी सब्सिडरी है या सब सब्सिडरी है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो द ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन मूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज सस्पेंडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी एंड हैज अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका बोर्ड को सस्पेंड करके नया बोर्ड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया होगा तो ये कंपनी अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बोर्ड सस्पेंड किया है तो सस्पिशन हो सकता है कि पुराने बोर्ड ने कुछ गड़बड़ की हो, तो जब तक के आगे ना बढ़ा दें तब तक के ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। एंड चेंज इन शेयर होल्डिंग टेक प्लेस बाय सच कंपनी एंड इट सब्सिडरी एंड सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी टेक प्लेस इन द प्रीवियस ईयर पर्सुअंट टू द रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज किया गया होगा उसका या उसकी सब सब्सिडरी का और ये अप्रूव किया गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा आफ्टर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, तो ये आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। सो वापस से सुनिए बाकी सारे प्रोविजन में, एक बार ये प्रोविजन पूरा घर पे पढ़ लीजिएगा, इट्स नॉट सो दैट इंपॉर्टेंट, राइट? सिर्फ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल के तहत आपका शेयर होल्डिंग चेंज किया होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका बोर्ड बदल दिया होगा, उस केस में प्राइवेट कंपनी अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी जब तक के फर्दर अप्रूवल या ग्रांट ना मिल जाए। समझ में आई बात? आ जाओ जी, आई थिंक उसके ऊपर का कैपिटल गेन भी खत्म, उसके ऊपर का पीजीबीपी भी खत्म। आई थिंक देन ओनली एग्जम्पशन रिमेन्स। हाँ या हाँ? आ जाओ। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इन शॉर्ट एक्सेम्प्ट इनकम। क्या अमेंडमेंट हुए हैं यहां पे? पहला अमेंडमेंट 10(4)(c), अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होता है, अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होता है, किससे? इंडियन कंपनी से। किस पे? इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड इश्यूड बिटवीन 2018 टू 2019, सच इंटरेस्ट इनकम विल बी एग्जम्प्ट। अगेन डेट याद रखनी होगी, लेकिन ये डेट आपके प्रीवियस ईयर के भी पहले की डेट है। मान लीजिए रिलायंस ने एक नॉन रेसिडेंट से क्या लिया था? लोन। और इस लोन के ऊपर वो क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। ये लोन
इस पीरियड में आया था, जितना इंटरेस्ट इसे रिसीव हो रहा है, ये इंटरेस्ट क्या है बेटा? एग्जम्प्ट। ये एग्जम्पशन किसके लिए है? नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए। सो इफ नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी रिसीव्स इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड, जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया होगा 194 एलसी में, ये इंटरेस्ट जो बॉन्ड इशूड पे हुआ होगा, टोटली एग्जम्प्ट। इनकम रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, ध्यान से सुनिए, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से जो इनकम रिसीव्ड होती है उसका क्या? इनकम अक्रूड और अराइज्ड बाय स्पेसिफाइड फंड अपॉन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अपॉन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर इज पेड और पेएबल इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, देन सच इनकम विल बी एग्जम्प्ट। एक मिनट, इनकम किसकी एग्जम्प्ट है? स्पेसिफाइड फंड की। अगर कोई भी स्पेसिफाइड फंड, मान लीजिए ABC फंड, इस फंड को अगर कोई इनकम आ रही है, कैसे? कैपिटल असेट ट्रांसफर करके या फिर कैपिटल असेट IFSC में ट्रांसफर करके, और इसका जो पैसा मिला है इन्हें, ये फॉरेन एक्सचेंज में मिला होगा, तो जितना इनकम आ रहा है किसी भी फंड को जो CBDT ने स्पेसिफाई किया है, ये टोटली एग्जम्प्ट। स्पेसिफाई फंड मतलब फंड विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, लोकेटेड इन IFSC, हैज अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी 3 AIF, एंड ऑल यूनिट्स ऑफ फंड्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट। बहुत कम फंड होंगे, प्रैक्टिकली कहूं तो ये दो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पूछने लायक पॉइंट है। आप खुद को भी समझ में आ जाएगा कि बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है। हाँ, अब आए बहुत बड़े जबरदस्त काम की चीज जिसके कारण MCQ एंड सारी चीजें बदलेगी। 10-12 वे, ध्यान से सुनिए। NPS, NPS से पैसा आपने विड्रॉ किया, ध्यान से सुनना, NPS से पैसा आपने विड्रॉ किया, व्हाट इज NPS? पेंशन स्कीम। एक एक बात सुनिए, दिस इज यूज्ड फॉर Purchase of annuity plan. This is not taxable. मैं पूरा NPS का डिटेल बता रहा हूं। अगर NPS का पैसा विड्रॉ किया और इससे annuity plan खरीदा, यह taxable नहीं है। Not taxable to legal heir upon death of person being salaried employee or self-employed। यह था दूसरी चीज। अगर NPS का withdrawal कोई legal heir कर रहा है, NPS का विड्रॉल कोई लीगल हेयर कर रहा है, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉयड का लीगल हेयर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड का लीगल हेयर हो, दिस इज अगेन नॉट टैक्सेबल। मैं जानबूझ के आपको NPS पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पर इतनी बात चौर है कि मेरे से ज्यादा बेटर एनालिसिस इसका कोई देगा नहीं। ध्यान से सुनना, एन्यूटी प्लान NPS से विड्रॉ किया, एन्यूटी प्लान में लगाया, नॉट टैक्सेबल। NPS से विड्रॉ किया, वो लीगल हेयर था, चाहे सैलरीड एम्प्लॉयड का था या सेल्फ एम्प्लॉयड का था, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, अदर सिचुएशन,
अदर सिचुएशन, आपने उसको बस रेगुलर विड्रॉ कर लिया, इन शॉर्ट आपने उससे लेकर के कोई पर्सनल ख्वाब पूरे किए, एनपीएस से विड्रॉ किया, पत्नी को लेकर दुबई घूमने गया, जनरल एनपीएल का एनपीएस का विड्रॉल टैक्सेबल होता है, जनरल एनपीएस का विड्रॉल टैक्सेबल होता है। आपने पार्शल विड्रॉ किया, पार्शल विड्रॉ करना मतलब क्या होता है, पूरा पैसा विड्रॉ किया नहीं, पार्शल विड्रॉ किया, राइट, 25% एग्जम्प्ट, 75% टैक्सेबल। जो भी आपने विड्रॉ किया इसका 25% एग्जम्प्ट और 75% टैक्सेबल होता है। आपने इस अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर दिया, यहां पे अब विड्रॉ नहीं, अकाउंट ही क्लोजर कर दिया, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और सैलरीड एम्प्लॉय हो। पहले क्या होता था, 40% एग्जम्प्ट और 60% टैक्सेबल, अब क्या हो गया, 60% एग्जम्प्ट और 40% टैक्सेबल। यह है अमेंडमेंट। लेकिन अमेंडमेंट आपको पता है, मैं सिर्फ अमेंडमेंट नहीं, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ा दूंगा। एनपीएस की पूरी ट्रीटमेंट अंडर द होल इनकम टैक्स, ध्यान से सुनिए। एनपीएस को आपने एन्यूटी प्लान के लिए यूज किया, नॉट टैक्सेबल। लीगल हेयर ने विड्रॉ किया, नॉट टैक्सेबल। आपने खुद ने विड्रॉ किया, टैक्सेबल। पार्शियल विड्रॉ हुआ, सी ऐसा हो सकता है आपने टोटल विड्रॉल किया लेकिन अकाउंट चल रहा हो, आप उसके आगे डिपॉजिट करें, टैक्सेबल। पार्शियल विड्रॉ किया, 25% एग्जम्प्ट, 75% टैक्सेबल। आपने अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर दिया, पहले 40% एग्जम्प्ट था, अब 60% एग्जम्प्ट है। अब अमेंडमेंट पढ़ो, एनी अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर, बात सिर्फ क्लोजर की चेंज हुई है, समझ में आ रही बात, बाकी सब एनपीएस वाला एज इट इज है। शैल बी एग्जम्प्ट अप टू 60%, अर्लियर इज वॉज 40%, बराबर। ये जो चार्ट मैंने अभी बनाया है, क्या आपको पता है, आपके मास्टर ने ये चार्ट आपको ऑलरेडी बना के दिया है, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे अगर आपने ये चार्ट मेरे साथ बना लिया होगा। सर क्या बात कर रहे हो, याद होगा तो डिडक्शन में मैंने आपको लिखाया था रेफर एग्जम्पशन, वो इसी दिन के लिए था। आपका मास्टर ने पूरी मेहनत करी है मेरे भाई, तुमको करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने यहां पे सारी मेहनत करके रखी है। सर प्रैक्टिस हो गई हमारी, है ना बेटा, जो मैंने क्वेश्चनेयर और एमसीक्यू इशू किए ना, वो प्रैक्टिस करो, है ना, वो ओरिजिनल प्रैक्टिस है तुम्हारी, आए बड़े प्रैक्टिस। बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है बेटा, पर इंपैक्ट देख लो, सिर्फ क्लोजर वाले पॉइंट पे आया है। अमेंडमेंट कहाँ है, क्लोजर। एक मिनट, क्या मुझे 1034A वापस पढ़ाना पड़ेगा, याद करो ना, रिफर बायबैक। अब लिस्टेड वालों के हाथ में और अनलिस्टेड वालों के हाथ में, जब भी बायबैक होगा वो टोटली एग्जम। ये टैक्सेशन ऑफ बायबैक में पढ़ के आ गए, फिर से मेहनत नहीं करते बेटा उधर।
अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, आमटी, ए एम टी, राइट। बस आखिरी है कुछ पॉइंट,